हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑरस एकेडमी और आज का टॉपिक जो है अपना वो है सॉल्ट एनालिसिस एक बार फिर से हम लोग जे ई टू ज़ीरो टू फोर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे जो भी टॉपिक करेंटली आने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरह से लैब मैनुअल से उठाया गया है क्योंकि जेई मीनस स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेगा हम ध्यान दें कि अभी हम एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं तो हम अपने तैयारी को इस वक्त एनसीईआरटी के साथ सिंक्रोनाइज करें तो हम एग्जैक्टली exactly वही टॉपिक उठाने वाले हैं उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना फिलहाल आपको काम आएगा इससे टाइम भी बचेगा और इससे आपकी प्रिपरेशन भी होगी और ये काफी आसान टॉपिक भी होगा आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर काफी फैक्ट्स हैं एक बार हमने सुन लिया अच्छे से समझ लिया तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में एरर नहीं होती तो फिर फाइनली अपन चालू करते हैं है ना सॉल्ट एनालिसिस देखते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस है क्या ये टॉपिक भाई इसमें हम पढ़ते क्या है तो इसमें हम करते हैं क्या है जो हमारे पास सोल्ट वगैरह होते हैं वॉट एवर जो लैब में हमें सोल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें प्रेजेंट जो कैटाइन और एनायन है हमें उन्हें डिटेक्ट करना होता है तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद किसके साथ डील करेगा विच डील्स विद एनालिसिस ऑफ आयंस है ना विच डील्स विद एनालिसिस ऑफ आय प्रोटी सी बात यह कर लेते हैं सोल्ट बनेगा कैसे इन जनरल सोल्ट बनता कैसे है तो अगर अपन सोल्ट के प्रिपरेशन की एक बेसिक बात करते हैं तो सोल्ट बनाने का तरीका क्या भैया आपको लेना है एक बढ़िया सा एसिड और एक लेना है क्या बेस क्योंकि एसिड और बेस क्या होंगे न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को और बनेगा सॉल्ट और साथ में बनेगा वाटर अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये यह समझ लो जब हम इन टेस्ट को कर रहे होंगे तो हम कैटाइन होंगे, होंगे और मैं कई बार वर्ड यूज करूंगा एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल तो पहले हम यही समझ लें एसिडिक रेडिकल किसको बोलना चाहिए और किसको बोला जाता है और दूसरा बेसिक रेडिकल आप ऐसा सोचो कि ये जो एसिड था ये एसिड करेगा क्या ये बेसिकली H प्लस आयन देगा

तो अपना जो कैटायन है वो है बी प्लस और एनायन जो है वो है ए माइनस अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर ये जो बी प्लस है, है अपन क्या बोलते हैं उन्हें बेसिक रेडिकल्स अब बात करते हैं ए माइनस तो ए माइनस कहां से आ रहा है हमारा एसिड से दैट मीन एनाय आर वॉट एसिडिक रेडिकल्स तो हम इन्हें क्या बोलेंगे एसिडिक रेडिकल्स तो ये एकदम बेसिक बात बताई मैंने आपको है ना आपको क्या ध्यान रखना है भैया कि यहाँ सॉल्ट एनालिसिस में अपना सपना क्या है कैटायन पहचानना है नायन पहचानना कैसे पहचानेंगे वो आगे हम एक एक करके सीखेंगे फिलहाल एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होता है ये समझ में आ गया एसिड से आने वाले आयन को क्या बोलोगे एसिडिक रेडिकल और बेस से आने वाले आयन को क्या बोलोगे बेसिक रेडिकल अच्छा अब हम एक काम और कर सकते हैं इसमें जनरली हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन होता है ना हम करने क्या वाले हैं हमारा जो भी एनालिसिस होगा वो किस पे बेस्ड होगा तो हमारा एनालिसिस बेस्ड होगा ये देखना पड़ेगा हमें कि जो सॉल्ट गिवन है उसका स्टेट क्या है बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्ट हमारे पास दो टाइप के क्या हो जाएंगे टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हो जाएंगे एक तो सीधा सीधा जैसे सॉल्ट दिख रहा है ड्राई फॉर्म में तो उस पर ही लगा लेंगे अपन ड्राई टेस्ट और दूसरा केस कभी कभी हम क्या करते हैं अपने पहले पर्टिकुलर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं देन टेस्ट करते हैं आयंस का तब हम उसे बोलते हैं वेट टेस्ट तो हमारे पास एक ड्राई टेस्ट है और एक वेट टेस्ट होगा अच्छा पहले हम ड्राई टेस्ट देख लेते हैं कि ड्राई टेस्ट में हम करने क्या वाले हैं अब ड्राई टेस्ट में जनरली क्या होता है आपको मान लो कि टीचर ने कुछ एक सॉल्ट पकड़ा दिया और आपको बताना है कि उसमें कटायन एनायन क्या है तो आप कर क्या कह सकते हो देखो एक तरीका तो यह है कि आप पहले उसका कर लो फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ चीजें देखने से समझ में आती है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सॉल्ट कलर्ड हुआ तो हम बोल सकते हैं उसमें ट्रांजिशन मेटल आयन होने के चांसेस है क्योंकि जनरली ट्रांजिशन मेटल आयन क्या होते हैं कलर्ड होते हैं और भी चीजें हमें पता लगेगी तो एक तो है सीधे के सीधे ऐसे सॉल्ट को ऑब्जर्व करो अच्छे से ऑब्जर्व करो उसके कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज देखो सूंग के देख लो पता लगेगा उसके बारे में कुछ ना कुछ फिर आगे चल के और क्या कर सकते हैं अपन हीट करके देख सकते हैं हीटिंग टेस्ट हो सकता है हमारे पास हमारे पास कुछ और टेस्ट भी है जैसे हम देखेंगे कि हमें फ्लेम टेस्ट पढ़ना होगा भाई फ्लेम टेस्ट में क्या करेंगे हम अपने सॉल्ट को बेसिकली बर्नसन बर्नर की फ्लेम में हीट करके फ्लेम के कलर को ऑब्जर्व करेंगे इसके अलावा और भी टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे बोरेक्स बीट टेस्ट भी देखने वाले हैं बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या करते हैं एक टेस्ट ये हो गया यहीं पर एक चारकोल कैविटी टेस्ट भी हम लिख सकते हैं ये भी एक टेस्ट है ड्राई हीटिंग टेस्ट ही है चारकोल कैविटी टेस्ट इसके आगे की अगर अपन बात करें तो चारकोल कैविटी टेस्ट का ही एक एक्सटेंशन एक भी होता है जनरली उसे हम बोलते हैं कोबर्ट नाइट्रेट टेस्ट ये सारे टेस्ट में एक एक करके आपको अभी लाइन से पढ़ाने वाला हूं के अलावा कुछ और टेस्ट है आर लेस इंपॉर्टेंट बट अगर हम उनकी लिस्टिंग में नाम करें तो एक नाम है जैसे माइक्रो कॉस्मिक बीड टेस्ट और आप अच्छे से देखो आपको पता लग रहा होगा कि सर ये वाला ये वाला थोड़ा थोड़ा सेम होगा ना हां बिल्कुल सेम होगा क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है इन दोनों में वही हो रहा है एक बीड वीड बनाएंगे हम लोग और फिर उस बीड के कलर से पहचानने की कोशिश करेंगे इसके अलावा और भी टेस्ट हो सकते हैं बट मेन मेन हम जनरली ये वाले टेस्ट लैब में करते हैं अब आगे की बात करते हैं वेट टेस्ट में क्या करते हैं तो देखो भाई वेट टेस्ट का बड़ा सिंपल है ना? अच्छा, एक थोड़ा सा ही का, बहुत सारा नहीं मिलने वाला अपन को है ना महंगा होता है पहली बार दो। तो सॉल्ट जो मिलेगा उसका सॉल्यूशन बना लिया अब हमने सॉल्यूशन तो बना लिया तो जनरली हम क्या करते हैं सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एक पार्ट वो होता है जिसमें हम एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं कौन सा वाला टेस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट बेसिकली एक रफ रफ अंदाजा लग जाता है कि यार इस ग्रुप का, एनायन होगा, इस ग्रुप का होगा। तो एक हम अपने कुछ पार्ट बचा लेते हैं क्योंकि उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ता है तो हम बेसिकली अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट से हम क्या करेंगे

हमको अंदाजा होता है चीजों का हम अपने कटायन को एक सब ग्रुपिंग कर रखते हैं उनको डिवाइड करके रखते हैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स बना के रखते हैं और हर ग्रुप का एक रिएजेंट फिक्स होता है हम उन रिएजेंट से सीक्वेंस में ट्रीट कराते हैं तो जब हम प्री टेस्ट करेंगे तो आप देखोगे यहां पर कुछ ना कुछ हम ग्रुप रिएजेंट यूज कर रहे होंगे लेकिन यह बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सबके लिए ग्रुप रिएजेंट होगा ही उस ग्रुप रिएजेंट से हमें पता लगता है कि किस ग्रुप का कैटायन है किस ग्रुप का एनायन है एक बार जब वो ग्रुप पता लगा तो उस ग्रुप के अंदर कौन सा कैटाइन है कौन सा एनायन है इसको करने है। के लिए फिर हम आगे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये बेसिक सॉल्ट एनालिसिस में हम देखें तो हमारे पास दो चीजें और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस फिलहाल हम इस पर कोई बात नहीं करने वाले हैं अभी अपने को ये नहीं जानना है कि अपने सॉल्ट में कैटायन कटाइन एना वॉट एवर मेटल नॉन मेटल प्रेजेंट है उसका परसेंटेज क्या है फिलहाल तो हमें यही जानना है कि है कौन वो कौन है पहले यह पता करो कितना है वो बात की बात है और इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो अपन को क्वांटिटेटिव वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है हालांकि एनालिसिस दो टाइप का होता है हमेशा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या करते हैं केवल पहचानते हैं कौन है कौन नहीं है क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं कितना है यह बात करने लगते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिसे हम सॉल्ट एनालिसिस भी बोल सकते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं हमारे जितने भी सॉल्ट होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं एसिडिक रेडिकल क्योंकि वो कहां से आने वाला है एसिड वाले पार्ट से आने वाला है अगर जे टू जीरो टू फोर की बात करें तो इतने कटायन और इतने एनायन इंक्लूडेड है हमारे लैब मैनुअल में भी इतने इंक्लूडेड है और अभी हम स्ट्रिक्टली जेई टू जीरो टू फोर को टारगेट कर रहे हैं मेंस को टारगेट कर रहे हैं इसलिए हम बिल्कुल डिवेट नहीं होने वाले अपने टॉपिक से इसलिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि दो तीन घंटे में आपको पक्का दो क्वेश्चन श्योरली बन जाएंगे कट आयन की बात कर ले तो लेड आयन है हमारे पास कॉपर आयन है एल्यूमिनियम आयरन थ्री प्लस में है अच्छे से देख लेना आयरन टू प्लस नहीं लिखा है मैंने मैंने लिखा है आयरन थ्री प्लस छोटी छोटी गलतियां मत करना कॉपर टू प्लस है कॉपर प्लस वन नहीं है जिंक िकल कैल्शियम बेरियम मैग्नीशियम और अमोनियम का भी हम फाइनली प्रिलिमिनरी और कन्फर्मेटरी टेस्ट सीखेंगे एनायंस की लिस्ट थोड़ी छोटी लग रही है कार्बोनेट है हमारे पास सल्फाइड है हमारे पास और साथ में सल्फेट नाइट्राइट आयन है और ये नाइट्रेट है ध्यान रखेंगे एनओ टू माइनस को हम क्या बोलते हैं नाइट्राइट राइट क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड हालांकि इसके अलावा मैं हमेशा की तरह दो चार चीजें एक्स्ट्रा बताता रहूंगा तो आप वो भी ध्यान से समझ लेंगे सब कुछ हेल्पफुल होगा चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्या देखते हैं आगे क्या मिलता है अपन को तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन अपना पहला पार्ट है दैट मीन्स हम सबसे पहले आयंस में भी कौन सा उठा रहे हैं एनायन को उठा रहे हैं लेटर पार्ट में हम कैटायन को उठाएंगे तो अभी हमारा एम क्या होगा एनायंस का डिटेक्शन और करते कैसे हैं सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन वेट टेस्ट वेट टेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ड्राई हीटिंग टेस्ट ये सब हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे पहले वेट टेस्ट से चालू करेंगे वेट टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करते क्या है हम वेट टेस्ट के लिए सबसे पहले हम टेस्ट कैर आउट करने के लिए एक सॉल्यूशन फेस में सॉल्ट को कन्वर्ट करेंगे कैसे करोगे कन्वर्ट अपने सॉल्ट को वाटर में कर लेना बढ़िया से अब ये देखना पड़ेगा ना यार सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है अगर वाटर में सोल्यूबल है तब तो बढ़िया है मजे है और अगर नहीं है तब फिर आगे और भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन कैरियड आउट बाय कैसे पहचानोगे कि यह है कलर चेंज से पहचानोगे कुछ केसेस में आप देखोगे गैस जो निकल रही है उससे पहचानोगे स्मेल या प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो भी एक तरीके हो सकते हैं अच्छा, है, है। तब फिर वो सॉल्ट अगर वाटर में होगा तो वो आयन सॉल्यूशन में नहीं आएगा और फिर टेस्ट कैसे लेंगे तब जनरली हम क्या करते हैं अपने सॉल्ट को सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके थ्रू ये काम करते हैं अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझो इसको जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉल्ट है और हम इसे सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कर दें तो बेसिकली सोडियम सॉल्ट बन जाएगा है ना या फिर इसकी जगह आप फ्यूज कर दो सोडियम के साथ ये भी एक तरीका हो सकता है चूंकि सोडियम सॉल्ट बनेगा सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है जनरली सॉल्ट प्रेफर करेगा बनाना सोडियम बना लिया सॉल्ट बना लिया उसने अब सोडियम के सॉल्ट चूंकि वाटर में सोल्यूबल है एनायन तो अपन सोडियम के साथ खींच के बाहर ले आए तो अपना जो एनायन है अब इस सोडियम सॉल्ट के अंदर आ गया और सारे सोडियम सोल्ट मोस्टली सोडियम सोल्ट एक आधा अगर छोड़ दें और वो भी बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हैं अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर सोडियम सोल्ट वाटर में क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं एंड दैट्स हमें करना क्या है सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेना है अगर वाटर इनसोल्यूबल है सॉल्ट और अगर वाटर सोल्यूबल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जिसे हम सोडा एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं कैसे बनाएंगे हम

ठीक है तो इसके लिए अब एनायंस का अपन एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं देखो ये क्लासिफिकेशन जो लिखा हुआ है यहां पर हम जनरली एनायंस एनायंस को करते क्या है है जितने जितने भी भी एक बात ध्यान रखना साहब एनायंस होंगे जितने भी एनायंस होंगे हम उसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उन्हें दो ग्रुप में बांट देते हैं एक ग्रुप वन है एक ग्रुप टू है है ना एक ग्रुप वन है एक टू है ऐसा बोल सकते हैं और इस वन का भी फर्दर सब डिवीजन करें तो एक वन ए होता है हमारे पास और एक वन B होता है हमारे पास और वन ए आपके सामने है क्या ये लिस्ट रटनी है बिल्कुल रटनी है ऑर्डर में रटनी है ऑर्डर इन द सेंस कि के अंदर कौन सा है के अंदर कौन सा एकदम पता रहना चाहिए भाई तो में क्या? 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 है, है, है। में क्या अपने पास कार्बोनेट है सल्फाइड है नाइट्राइड है और वन बी में क्या अपने पास नाइट्रेट है क्लोराइड है ब्रोमाइड है हाइड्राइड है अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा देखो क्लास टू नहीं होता एक्चुअली होता क्या है वो पूरी तरह से अगर अपन उस पर थोड़ी सी बात कर लें तो ये बात कुछ ऐसी जाएगी देखो जरा ध्यान से सुनो हमने जब क्लासिफिकेशन किया सुनेंगे ध्यान से ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो हमने क्या किया जितने भी एनायंस है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था एक पार्ट तो अपना क्या था जिसे अपन ने क्या बोला था ग्रुप वन इसे एक ग्रुप वन मान लेते हैं और एक तरफ दूसरा जो है उसे ग्रुप टू मान लेते हैं है ना तो एक हो गया अपना ग्रुप टू अब देखो ग्रुप वन की अगर बात करें तो ग्रुप वन भी फर्दर सब डिवाइडेड है इंटू टू पार्ट्स 1a और एक 1b है हमारे पास और 2 भी इस तरीके से डिवाइडेड है इनटू 2a एंड 2b में अब दिक्कत ये सर ऐसे थोड़ी ना होता कि आपको जो अच्छा अच्छा लगा वन में डाल दिया टू में डाल दिया ऐसे नहीं नहीं कुछ रीजन है रीजन को अच्छे से ध्यान रखना है यहां पर वो लोग हैं जो बेसिकली H2SO4 के साथ क्या बना लेते हैं फॉर्म्स volatile प्रोडक्ट volatile प्रोडक्ट बेसिकली गैसेस वगैरह इवॉल्वड होती हैं तो ये लोग वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए इनको अलग कर दिया जो एच के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएगा उनको अलग कर लिया और जो नहीं बनाएगा उनको अलग कर दिया तो यहां पर क्या लिख दें एच के साथ यहां पर ये वाले लोग क्या होंगे नहीं करते इंटरेक्ट नो इंटरेक्शन नो इंटरेक्शन विद एनी फॉर्म ऑफ एच टू एस फोर रियलिटी तो यही है भाई अब बात अगर आगे बढ़ाया जाए थोड़ी आगे बढ़ाई जाए बात तो आप ऐसे समझो इसमें भी ये फर्दर सब क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी तो इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डायल्यूट एच टू वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं थोड़ा हीट करना पड़ता है और कुछ ऐसे लोग हैं जो डायल्यूट के साथ नहीं कॉन्सेंट्रेटेड एच टू वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं एंड दैट्स क्लासिफिकेशन इस तरीके से टूट जाता है इधर की अगर बात करें तो सर इधर का क्या है अब देखो अगर देखा जाए तो यहां एच टू एसओ फोर के साथ तो कोई इंट्रेक्शन है नहीं इसका मतलब है कि अपना आधा काम तो खत्म क्यों क्योंकि ये एच टू एस ओ फोर ही ग्रुप रिएजेंट था और ग्रुप रिएजेंट का काम कब आएगा का जब आपको प्री टेस्ट करना पड़ेगा तो यहां तो ग्रुप रिएजेंट ही नहीं होता प्री टेस्ट करना ही नहीं है सीधे कन्फर्मेटरी जाने दो इधर थोड़ा लेंथी हो जाएगा पहले प्री टेस्ट लगाओ फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाओ अच्छा इधर भी कोई आयंस है क्या हाँ इधर आयंस हैं बहुत सारे हैं जैसे टू ए की बात कर लेते हैं

लेकिन आपको दो चार चीजें मैंने हमेशा कहा एक्स्ट्रा में बताते रहूंगा वो है, वो आपको अच्छे से देखते है। भी है क्या? क्या कुछ, कुछ ऐसे लोग है जो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आप याद से जो आयन मिलेगा, वो मिलेगा, पर मैगनेट आयन पर मैगनेट ठीक ऐसे ही एक होगा आपका के टू एम एन ओ फोर से एमएनओ फोर टू माइनस आयन मैग्नेट आयन एम एन ओ फोर माइनस को क्या बोलते हैं पर मैग्नेट यहाँ प्लस 7 में है यहां प्लस सिक्स में है ठीक पोटेशियम पोटेशियम याद करो K2, CR207, हटा दो उसमें से, तो so, क्या बनेगा? CR207, 2 मिल जाएगा, और उसी का एक और छोटा वर्जन भी है अपने पास के टू सी आर ओ फोर बेसिक मीडियम वाला वर्जन याद करो सी आर ओ फोर टू माइनस आ जाएगा ये चार लोग जो है ना इनका कोई ग्रुप एजेंड नहीं है इनका भी कोई ग्रुप एजेंड नहीं है तो फिर इनका होता क्या है सर इन वालों का सीधे जाती है झोल जा जो होने वाला है, वो इधर की होने वाला है इधर तो बहुत आसान है इधर तो कोई रिएजेंट नहीं है अगर सल्फेट है, है, है तो उनके सीधे सीधे टेस्ट है लगा लो पता लग जाएगा और इधर क्या करें इधर इधर क्या करते हैं ये लोग अच्छे से देखो तो ये सबके सब हमने कहीं ना कहीं एम एनो फोर के टू सी टू सेवन को क्या पढ़ा है स्ट्रॉन्ग नहीं तो ये अपने रेडॉक्स well रिएक्शन तो करा के देख लेना है है ना अच्छा इसमें चार आयन के कलर याद कर लो इसमें किस किस को याद कर लो भैया एम फोर माइनस को पर मैग्नेट को कर लो हमने कई बार पढ़ा है इंटेंस पिंक या फिर पर्पल कलर का होता है काफी काम बन जाएंगे पहचानने में हेल्प मिलेगी और यहां तो धर्म ही है कलर याद करना तो हर बात पे कलर एक कलर फेंक के मारता रहूंगा मैं ध्यान देते रहना जरा इसकी देखो जरा देखो टू माइनस की बात कर लो इसका नाम क्या था पर मैगनेट और इसका नाम क्या है मैग्नेट तो मैग्नेट वाला हो गया एक अपना जनरली के टू एम एन ओ फोर ग्रीन वगैरह कलर का होता है अच्छा ये कलर स्टैटिक नहीं है भाई सिचुएशन पर डिपेंड करता है मोस्टली जो कलर है अपन उसकी बात कर रहे हैं जब ये अनकंबाइंड टाइप का हो रहा है आगे बात करते हैं डायक्रोमेट डाइक्रोमेट Cr2O72- तो ये ऑरेंज कलर का होता है ऑरेंज कलर का जनरली सॉलिड होता है और एक है हमारे पास क्रोमेट CrO42- तो क्रोमेट जनरली किस कलर का होता है येलो याद रख लें ये चार कलर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा आधा काम तो यहां निपट ही चुका है क्यों क्योंकि यहां वाले पार्ट को कुछ करना नहीं है वाले पार्ट का भी ज्यादा छेड़छाड़ करना नहीं है छेड़छाड़ जो करनी है वो यहां से करनी है तो यहां से थोड़ा सा अच्छे कुछ चीजें हमें सीखने मिलेगी पर ये क्लासिफिकेशन काम आ सकता है इसलिए मैंने आपको बताया अब हम वापस लौट चलते हैं देखो तो ये क्लास वन के एनायंस हो गए थे क्लास वन बी के हो गए थे अब ये सल्फेट समझ में आ गया इसके साथ कौन कौन था यहाँ पर फॉस्फेट था और क्या था इसके साथ आर्सेनेट भी था है ना और एक टू बी भी होगा जिसमें वो मैगनेट पर मैगनेट डाइक्रोमेट और क्रोमेट हो जाएंगे तो इतने याद रखने अपन को फाइनली अपना डिसीजन ये हुआ कि भैया टेस्ट दो टाइप के होते हैं या तो अपन ड्राई टेस्ट सीधे सीधे लगा ले वरना फिर सॉल्यूशन बना ले और फिर टेस्ट करें अगर आपने सॉल्यूशन बनाया तो टेस्ट का नाम पड़ जाएगा वेट टेस्ट और वेट टेस्ट में दो ऑप्शन आ जाएंगे कौन से दो ऑप्शन आ जाएंगे वेट टेस्ट में कि पहली बात आपका वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है तो बात ख़त्म नहीं है तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना के लाओ ये ध्यान रखना है ठीक है चलो होपफुली यहां तक चीजें हमें एकदम क्लियर होंगी अब हम आगे बढ़ते हैं सो प्रीलिमिनरी टेस्ट विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा ये डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को याद करो ये क्या था ग्रोप रिएजेंट था भाई ये क्या था ग्रोप रिएजेंट था किसका ग्रोप रिएजेंट था किसका था हाँ वन ए वालों का था वन ए वालों का था ये ध्यान रखना है तो यहां पर देखो हमारा जो भी सॉल्ट सोल्यूबल सॉल्ट है चूंकि हम वेट टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसे डायल्यूट एच टू के साथ ट्रीट करेंगे हीट करेंगे और निकलने वाला वोलेटाइल प्रोडक्ट वट जो गैस वगैरह है उसको ऑब्जर्व करेंगे उससे कुछ चीजें पहचानेंगे अब देखो जैसे गैस जो भी इवॉल्व हो रही है तो फिर वो क्लास वन ए का एनआईन होगा और मान लो डायल्यूट एच के साथ ट्रीट तो कर दिया पर कोई गैस ही नहीं निकली तो फिर वो क्या होगा कंसेंट्रेटेड से ट्रीट करा के देखना पड़ेगा उससे भी नहीं निकला तो पक्का ये वन वाला तो नहीं है फिर टू की तरफ भाग जाएंगे फिलहाल निकलेगी क्योंकि अभी अपन को वन पढ़ना है ध्यान रखना अगर गैस इवॉल्व नहीं हुई तो फिर ये वन बी या फिर क्लास टू एनआईन हो सकता है किसके साथ के साथ अभी चेक नहीं किया डायल्यूट के साथ नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि वन का नहीं होगा अभी वन बी भी ऑप्शन बचा हुआ है लेकिन तब कंफर्म कैसे करोगे पहले कंसनट्रेटेड से और करवा के लेना पर अगर एच टू एसओ फोर के साथ कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट निकला ही नहीं तब तो बात ही खत्म है टू की तरफ पहुंच जाएंगे अपन अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है मान लो कि आप डायलीसोर के साथ ट्रीट तो करा दो तब ये देखना पड़ेगा जो गैस निकल रही है वो क्या है कैसा क्या समझ में आ रहा है जैसे अगर एक कलरलेस ओडरलेस गैस निकल रही है विद ब्रिस्क एफर जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे तो हम ये इनफेरेंस निकाल सकते हैं मतलब निकाल सकते हैं कि वो गैस जो होगी सीओ होगी है ना वो गैस क्या होगी सी होगी हर बात पर मैं एक थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन छोड़ दूंगा आपके लिए आपको देखो ये सी आएगा कैसे पहले ये सोचो जरा अंदर होगा कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन अब एक एग्जाम्पल उठाओ मान लो कि हमने इसको ट्रीट करा दिया करेगा एच प्लस गेन करते हुए बना लेगा एच टू सीओ थ्री एच टू एसओ फोर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरी तरफ एक वीक एसिड बन रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है फीजेबल है थर्मोडाइन भी अपने साथ चल रही है यहां पर अच्छा ये जो बना है अब ये डिसोसिएट होकर हमें क्या देगा कार्बोनेट आयन वगैरह दे सकता है है ना लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है ये समझना कि कार्बोनिक एसिड एक बहुत स्टेबल एसिड नहीं है है रूम में डिसोसिएट हो जाता एंड और ये जो CO2 निकल रही है ये वही CO2 है जो ब्रिस्क एफरवे के साथ निकलेगी ब्रिस्क का मतलब आपको कुछ ऐसे समझना है सोचो कि आपके पास एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है है ना क्या है अपने पास कोल्ड ड्रिंक है अब उस कोल्ड ड्रिंक को आप एक ग्लास के पर्टिकुलर बीकर में या पर्टिकुलर ग्लास में ले लो और अपने मुंह के पास लेके जाओ आपको लगेगा कुछ निकल निकल कर मार रहा है यार बबल्स लग रहे हैं वो जो छोटे छोटे एक्सप्लोजन फॉर्म में निकलना है उसी को बोलते हैं ध्यान रखना अच्छा क्या ये पक्का है सर कि किसी निकलेगा तो फिर ये पक्का है कि कार्बोनेट ही होगा आयन या फिर सियोटू ही होगी वो गैस अगर मिल्की कर दे तो नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है अभी ना चीजें स्टार्टिंग लेवल पे हैं होता क्या है आगे चल के हम देखेंगे एसओ टू भी ऐसा कर लेता है मतलब सीओ टू और एसो टू की भयानक दोस्ती है मोस्टली ज्यादातर रिएक्शन नेचर वाइज सेम है कुछ चीजें हैं लेकिन जो इनकी अलग अलग है जैसे एक छोटी सी बात अगर इसका कंबर्न कराया जाए कंबर्सन कराया जाए तो यह कम्बर्सिबल गैस है यहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है प्लस फोर से प्लस सिक्स जा सकते हैं लेकिन सी टू का अगर आपने कंबसन करा दिया कुछ ना हो पाएगा कुछ नहीं होगा एक डिफरेंस मिल गया ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है पर यह नहीं हो सकता ना ये ऑलरेडी कहां पहुंच गया प्लस फोर और कार्बन प्लस फोर से ज्यादा जा नहीं सकता यह एक डिफरेंस मिल गया तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पी ब्लॉक से इंटरलिंक करना और जैसी लिंक कर पाओगे मजे में जाएगा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगर कोई कलरलेस गैस निकल रही हो एच टू एस फोर से ट्रीट करने के बाद सड़े हुए अंडो की स्मेल आ रही हो सड़े हुए अंडो की स्मेल सच में मेरे को भी नहीं पता पर मान लो कि आपको पता है है ना गंदी ही, ही होगी ये तो पक्का है दे, और साथ में वो जो स्मेल है, है, तो है वैसे मैं आपको रॉटन एग स्मेल के बहुत सारे एग्जाम्पल है ही नहीं अपने पास तो ये रोटन एग से ही कंफर्म हो जाता है ऑलमोस्ट ये एच टू एस गैसी है ना एग से फिर ये आगे जो ये पर्टिकुलर लेड पेपर को ब्लैक करने वाली टेंडेंसी है वो तो देखने वाले अभी एक एक करके अच्छा ऐसा हो रहा हो कि कोई ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस निकल रही हो जिसका ब्राउन ब्राउन कलर हो रहा हो जो क्या कर रहा हो आगे चल के पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम के सॉल्यूशन जिसमें स्टार्च है है उसको कर दे तब आपको याद रखना एनो टू वो एनो टू हो सकता है क्योंकि एनओ टू एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा हम देखेंगे आगे चल के ऐसा तो ये कुछ छोटी छोटी बातें याद रखना है क्या क्या समझ गए अभी तक अपन ब्रेस कैफर है क्या है और एसओ टू भी हो सकता है दूसरी बात क्या समझ है smell, H2S की भाग जाएंगे और कोई है नहीं अपने यार, में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है ना क्या हो सकता है एक तरफ ब्रोमीन भी आगे चल के होगा तो फिलहाल तो अभी ब्राउन फ्यूम लेकिन एक चीज और ऐड कर दिया कि स्टार चाइडाइट पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देना ब्लू में वो एनओ करने वाला है और स्पेसिफिकली इनके बीच में डिफरेंसेस पता करते हैं धीरे धीरे फिलहाल अगर डायलो टेस्ट के साथ ट्रीट कर रहे हो आउट ऑफ द फॉलोइंग कोई भी केस हो तो हम गैस पहचान सकते हैं इतना तो हम बता ही सकते हैं अभी तक चलो तो ये क्लियर हो गया ना आगे बढ़ते हैं चलो आगे देखते हैं आगे क्या और हाँ भाई अब एक एक करके देखो चालू करते हैं अपन कार्बोरेट को उठा लेते हैं और लगे तो उसका पक्का पक्का काम करते चलते हैं मतलब प्री तो कर ही लिया प्रीलिमिनरी टेस्ट तो कर लिया आपने कैसे किया था अभी याद करो आपने एच टू सीओ थ्री बनाया था जो आगे चल के एच टू और CO2 टू में डिसोसिएट हो गया था हीट तो कर ही रहे थे अपन वहां पर एच टू सीओ थ्री तो वैसे ही ज्यादा स्टेबल नहीं है और ऊपर से हीट कर रहे थे तो ये सीओ टू निकल रहा था ब्रेस कैफर वेसेंस हो रहा था लाइम वाटर को मिल्की कर रहा था कंफर्मेट्री टेस्ट अब बात करेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट तो समझ में आ गया था सी टू होगा तो क्या होगा देखो

छोटू छोटू क्या करता है दूसरों को जाके उंगली बहुत करता है है ना तो ऐसे ध्यान रखना है तो ये जो अपने ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है इसमें एल आई टू सीओ थ्री लिख सकते हैं बट थोड़ा सोलिबिलिटी का इशू है बहुत ज्यादा नहीं है पर पीपीटी भी नहीं है इनको छोड़ दो और एक अमोनियम को छोड़ दो बाकी कोई भी दिमाग में लेकर आओ कैल्सियम कार्बोनेट लेकर आओ वाइट पीपीटी बेरियम कार्बोनेट लेकर आओ वाइट पीपीटी स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट लेकर आओ सबके सबरे वाइट क्या हो रहे हैं पीपीटी और कोई भी दिमाग में लाओ जिंक कार्बोनेट ले आओ वो भी सोलिबल सॉलिबल है बहुत कम है तो ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कार्बोनेट्स ग्रुप वन और एल्कली ग्रुप वन यानी एल्कली और अमोनियम आयन के कार्बोनेट्स क्या होते हैं सॉलिबल ज्यादातर के इनसॉलिबल ध्यान रखना है कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताया कैल्सियम बेरियम स्ट्रॉनशियम सबके सब वाइट पीपीटी है

जो वॉट एवर सॉल्ट था जिसके अंदर कार्बोनेट आयन था वो अलकली का नहीं हुआ और किसी का हुआ तो वाटर तो क्या था वो इनसॉल्युबल था तो पहले उसे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सोडा एन ए टू सी थ्री से ट्रीट कर लिया जिससे अपन ने क्या बना लिया एन ए सी एल एच टू और क्या बना लिया सीओ टू बना लिया ये एन ए टू सीओ थ्री आया कहाँ से वो जो भी सॉल्ट था वॉट एवर सॉल्ट था अगर वाटर में सॉल्युबल था तो पक्का इन्हीं में से कोई एक होगा और नहीं था तो हमने बना लिया ना कन्वर्ट कर लिया ना सोडियम में कैसे सोडियम के साथ हीट वीट करके कर, कर लेंगे CO2 निकलेगा प्रोड्यूस करेगा ठीक है ये तो पता है प्री टेस्ट हो गया कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या क्या है इसके सबसे पहला लाइम वाटर टेस्ट जो हमने बोला था कि ये जो CO2 निकल रहा है लाइम वाटर को क्या करेगा मिल्की करेगा कैसे करेगा सीओ टू टर्न लाइम वाटर मिल्की और जब एक्सेस में सीओ टू पास कराओगे तो ये मिल्किनेस डिसअपियर हो जाएगी होता क्या है सीओ टू जब हम ये लाइम वाटर से पास कराएंगे तो कैल्सियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक वाइट कलर का क्या बताया था मैंने पीपीटी पीपीटी यार ये थोड़ा खिसक गया है मिल्कीनेस है ध्यान रखना इसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से मिल्किनेस रखो कि जो जो तो तो कहा तो जा रहा है कि सर इसके बाद तो ये मिल्किनेस हट जानी चाहिए इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म तो चेंज होगा और बन जाता है कैल्शियम बायकार्बोनेट और अब स्टेट में सॉलिड नहीं लिखूंगा एक्वस लिखूंगा सॉलिड लिख रहा था मैं, क्योंकि ये पीपीटी था लेकिन वो वापस वाटर में सोलबल हो गया हो अच्छी चीज क्या है समझ में आता है लेकिन ये मिल्किनेस क्या हो जाएगी अपनी डिसअपियर हो जाएगी अगर एक्सेस में पास करा दिया तो एक और टेस्ट है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट के बारे में एक छोटी सी बात पहले सिल्वर नाइट्रेट अगर हम हीट करते हैं इन जनरल सिल्वर के कंपाउंड्स को और मर्क्यूरी के कंपाउंड्स को अगर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं वैसे तो ज्यादातर बुक्स में ए जी एन टू प्लस ओ टू लिखा होता है पर रियलिटी है कि आगे चल के ये ए जी टू ओ में टूट जाता है और सिल्वर और मर्क्यूरी सिल्वर और मर्क्यूरी के ऑक्साइड थर्मली ज्यादा स्टेबल नहीं है अभी नहीं है तो क्या होगा ये फर्दर डंपोज होगा और पूरी तरह से मेटेलिक टाइप के फॉर्म में आ जाता है और जब ये इस फॉर्म में आता है तो होता है किस कलर का

अब सल्फाइड में क्या करना है अपन को पहले फिर से ये बात याद करनी है सारे सल्फाइड ग्रुप वन मेटल और अमोनियम के छोड़ दो तो वाटर इन मतलब हल्कली मेटल के कंपाउंड अच्छे वाले सोल्यूबल होते हैं वाटर में अमोनियम वाले अच्छे सोल्यूबल है सारे सल्फाइड ग्रुप वन को छोड़ दो और फिर से अमोनियम को एकदम सेम हो रहा है एग्जाम्पल पी को देखो अगर मान लो ये लेड का लिख दिया अपन ने लेड पी है ना हम जानते हैं ग्रुप वन में क्या क्या आता है ग्रुप वन में आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम वगैरह और सीजियम वगैरह इनको छोड़कर बात करना तो पीबीएस ब्लैक कलर का पीपीटी आप कोई भी उठा लो कोई भी उठा लो जेड एन सल्फाइड व्हाइट पीपीटी आप कोई और उठा लो मान लो आपने उठा लिया कैडमियम सल्फाइड येलो पीपीटी ऑलमोस्ट सारे के सारे पीपीटी सारे के सारे सारे के सारे लगभग लगभग सारे के सारे कॉपर सल्फाइड ब्लैक पीपीटी निगे सल्फाइड ब्लैक पीपीटी भर भर कर पीपीटी है और जब इस चैप्टर को पढ़ लगेगा ना तो तुम्हें लगेगा सॉल्ट सोल्यूबुल भी होते हैं कि नहीं ज़्यादातर तो पीपीटी बनने वाले हैं तो ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात सॉल्ट की नहीं बात इनऑर्गेनिक के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अच्छा प्रीलिमिन्री टेस्ट में करेंगे क्या अपन फिर तो हमारे पास मान लो वो जो टेस्ट ट्यूब है वॉट एवर है ना एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है अपने पास और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया हुआ है सोडियम सल्फाइड लेकर आ गए हैं अब हमें जो भी सॉल्ट मिला होगा अगर वो ग्रुप वन का नहीं होगा ग्रुप वन का नहीं है तो वो सल्फाइड तो फिर वाटर में सोलिबल नहीं होगा तो सोडा एक्सट्रैक्ट वैक्सट्रैक्ट बनाया होगा हमने उस तरीके से सोडियम पहुंच गया सोडियम सल्फाइड और अंदर जाके अभी ये सल्फाइड आयन अपन को दे देगा क्योंकि सोडियम के कंपाउंड वाटर में सोलिबल है और सोलिबल होने से क्या होगा एन ए प्लस हो जाएगा एस टू माइनस हो जाएगा ठीक है हमने क्या मिलाया बाहर से हमने मिलाया डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर इंट्रैक्शन लिखो जरा इंट्रेक्शन क्या होगा एस टू माइनस और एच टू एस ओ फोर बताओ क्या होगा

तो यहाँ पर क्या हुआ आपको एच टू एस मिला और एच टू एस क्या होता है ना हमने थोड़ा बचा लिया होगा हम एक बार में ओरिजिनल में नहीं गेम बिगाड़ देते मान लो कुछ गड़बड़ गई ना तो फिर एक सैंपल और बना के रखना पड़ता है तो सोडियम सल्फाइड में हमने थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप एच टू एस ओ फोर मिलाया पहले जिससे पहले एच टू एस को बाहर फिर निकालना है निकाल लिया बाहर

पीपीटी बन जाएगा और लेड एसिटेट जो पेपर है ये जो लेड एसिटेट पेपर है या लेड एसिटेट सॉल्यूशन है उसमें ब्लैक पीपीटी अपीयर हो जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट पीबीएस पीबीएस लेड सल्फाइड के बनने से तो एक टेस्ट तो ये मिल गया दूसरा टेस्ट क्या अपने पास बड़ा फेमस टेस्ट है यार सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक रिएजेंट होता है एक रिएजेंट इसका पहले फॉर्मुला रटो फॉर्मुला क्या है मैं यहां फिर से लिख रहा हूं एन ए CN होल फाइव एनओ बोलना बाप बोलना नहीं है इसको ठीक है और इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन को हम मिला देते हैं अपने टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या पड़ा हुआ था एन मतलब मैं यहां पर क्या मिला रहा हूं एनए टू एफ सी एन होल फाइव हाँ जी एनओ NO, ये मिला रहा हूँ अब इसके अंदर ये याद रखना है कि NO जो है ये एक लीगेंट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है ये न्यूट्रल भी हो सकता है हमारे वाले केस में क्या है हमें ये याद रखना पड़ेगा हमारे वाले केस में वो नाइट्रोसोनियम जैसा हो गया एनओ प्लस है और अगर आपको ये प्लस याद नहीं हुआ और पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो आप प्लस थ्री निकालोगे क्योंकि यहां प्लस टू ले लोगे यहां एक्स ले लोगे यहां माइनस फाइव ले लोगे यहां जीरो ले लोगे रियलिटी में लेकिन यहां आयरन प्लस टू में है भाई आयरन का स्टेबल स्टेट भी प्लस टू ही है ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा है ना तो यहां पर जो एनो पॉजिटिव आयन है सल्फाइड आयन के उसके साथ इंट्रैक्ट करता है और बनता है एनओ एस माइनस आयन अच्छा इसका नाम हम रख ले थायो नाइट्रोसो क्या बोल सकते हैं थायो नाइट्रोसो बोल सकते हैं जब भी आप ऑक्सीजन हटाकर सल्फर लगाओ या सल्फर एड करो तो थायो वर्ड लग जाता है और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या यहां पर एक बात देखो यहां पर सोचो जरा यहां पर क्या होगा यहां पर हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को सोडियम सल्फाइड में मिला दिया अब मिलाने के बाद यह कंपाउंड बना क्या हम ऐसा लिख सकते थे कि यहां से एन से एस बाहर कर लेते हैं कटहन को बाहर जाने दो और ठीक ऐसे यहां से दो सोडियम बाहर कर लेते तो क्या लिख सकते थे अपन इसे होल लिख सकते थे और इस पर टोटल चार्ज आता टू माइनस करना क्या है बड़ा सिंपल सा ट्रिक है फॉर्मुला याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है क्या है आप इन दोनों को बस ऐड कर दो पर याद रखना लीग एंड इंटरेक्शन दिखाना एनो और सल्फाइड बना लेंगे एनओ और क्या बनेगा एफ सी एन होल फाइव एनओ एस और यहां पर चार जब कितना दिखाओगे टू माइनस टू माइनस और माइनस इसलिए तो बाहर कितने सोडियम दिख रहे हैं चार और जो ये बना इसका कलर याद कर लो वॉयलेट या पर्पल वॉयलेट या पर्पल दोनों कलर चलेंगे देखने वाले के ऊपर है यार मान लो स्मेल वाला कोई केस पड़ गया और नाक है सामने वाले की तो क्या कर ले अपन उसमें कर नहीं सकते ना देखने वाले को तो क्या दिख रहा है उसका कह नहीं सकते पर जनरली एक्सेप्टेड क्या है वॉयलेट या पर्पल तो इसका नाम क्या है फिर अगर दिस कंपाउंड अगर हम इसकी बात करें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है तो इसका नाम क्या होगा हाँ थायो नाइट्रो प्रोसाइड यहाँ पर ये यह एनओ आ गया ना तो थायो लगा देना बस अपन को और कुछ नहीं नाइट्रो के पहले थायो लगा लेना दो टेस्ट हो गए फिर तो फाइनली हमने क्या सीखा सल्फाइड में पहले तो रोटेन एग स्मेल आ गई आ गई तो उसमें फिर लेड एसिडेट सॉल्यूशन मिला के देख लो ब्लैक पीपीटी आ गया मतलब पक्का है कि लेड सल्फाइड बना होगा यानी सल्फाइड रहा होगा या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला लो और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये फेमस टेस्ट है सल्फाइड का वायलेट कलर अपियर से कंफर्म हो जाएगा सल्फाइड था चलो आगे बढ़ते हैं एक और कोई एनायन उठा लाते हैं अभी अपन ये एनायन तो हमने निपटा लिया इतने सारे है ना तो अगला कोई एनायन उठाते हैं नाइट्राइट ले लेते अभी एनओ टू माइनस ले लेते नाइट्राइट नाइट्राइट का क्या हाल चाल है देखो पहले अपन थोड़ा प्रिडिक करना सीखे ना कि हमारे पास मान लो HNO2 है, या फिर ऐसा लिख लेते हैं अभी। इसको ऐसा इस फॉर्म में दिखा देते हैं। हैं मान लेते है कि हमारे पास क्या है, बन जाएगा यहाँ पर एच एन ओ टू बन जाएगा अब ये एच एन ओ टू की एक समस्या है ये रूम टेम्परेचर में स्टेबल नहीं है, है ना वेरी वेरी लेस स्टेबल बेसिकली बोला जाता है कि ये जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस और ऊपर से हम हीट भी कर रहे हैं ऊपर से हम क्या कर रहे हैं हीट भी कर रहे हैं तो एच एन ओ टू अंडर गोस डिसनेशन यहां पर नाइट्रोजन होता है प्लस थ्री में और डिस्प्रोपोर्सनेशन में ऑक्सीडेशन भी होना है रिडक्शन भी होना है मतलब तो बढ़ना भी है और घटना भी है तो बढ़ते हैं बढ़ते हैं प्लस थ्री से कहां चलते हैं प्लस फाइव में चलते हैं थोड़ा स्टेबल फॉर्म आ जाए

मेथड 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 का का ही एक पार्ट है है। है ये रिएक्शन या में इंक्लूड होता होता जो ना नाइट्रिक एसिड बनाने क्या हमने सबसे पहले डायल्यूट एच टू एसओ फोर मिलाकर हीट किया एच एन ओ टू बना बट स्टेबल नहीं था टूट गया डिस्प्रोपोर्सनेट हो गया और बना एनओ NO. और एनो ऑक्सीडाइज होकर एयर की प्रेजेंस में फर्दर कन्वर्ट हो गया एनो टू में और एन टू के ब्राउन कलर के क्या होते हैं फ्यूम्स पहचान लिया हमने होगा और अब कन्फर्म तो कर लेते हैं देखो कन्फर्मेट्री टेस्ट बड़ा आसान है इनको ना बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग में नहीं लेना बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा बस आप जरा ध्यान से सुनो मेरी बात हमारे पास एनओ टू माइनस आयन है ठीक है भैया हमने उसमें एसिटिक एसिड मिलाया तो एसिटिक एसिड से उसने क्या गेन किया होगा एच

मतलब अपना खुद का रिडक्शन करेगा ना तो प्लस थ्री से ही चला जाता है प्लस टू में और सामने वाले का क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा तो देखो ये एच ए नोटू और हमने क्या किया के आई प्लस एसिड तो से पड़ा था हमने एक पेपर ले रखा है ऐसा इमेजिन कर लो कि एक ऐसा पेपर है अपने पास ये पेपर स्टार्च पेपर इस पर पे अपन पहले से क्या कर सकते के आई को स्प्रे करा लें ऐसे एक बॉटल वगैरह इमेजिन करो बॉटल वगैरह जिससे अपन ना के आई इसमें क्या कर रहे हैं स्प्रे करा रहे हैं और अब इस पेपर को उस सॉल्यूशन में डिप करा के रखो जिसमें क्या बन रहा है HNO2 तो HNO2 क्या करेगा I-, की I, I के I में I- को याद रखना जरा किसमें में KI में I- को जो -1 पे दिख रहा है ये अपना ये वाला I जो -1 पे है इसे ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीडाइज मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो किसमें में कन्वर्ट कर दिया I2 खुद किसमें खुद रिड्यूस होकर किस पहुंच गया देख लो अच्छे से जरा NO में पहुंच गया भैया बाकी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दिख जाए तो तुम्हारा अधिकार I2, I2. जो फॉर्म हुआ, ये पर जो हुआ I2, जब ये पेपर किसके कॉन्टेक्ट में आया था एच एन ओ टू के कॉन्टेक्ट में आया था तो ये आई टू स्टार्च के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और उसका कलर रट जाना है रट लो इसको भैया कलर क्या होता है इसका कलर होता है ब्लू तो तो हो ना पहला टेस्ट मिल गया अपने को। क्या किया अपने पहले टेस्ट में हमने बढ़िया एसिटिक एसिड एसेट मिलाया टू जो बना उसको उसमें एक स्टारो पेपर डिप करा लिया तो एच ने आई को ऑक्सीडाइज करके आई में कन्वर्ट किया होगा और फिर वो I2 टू स्टार्स के साथ क्या कर रहे हैं ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है अब आगे की करते हैं दूसरा एक और टेस्ट है अपने पास तो मैं इस टेस्ट को अभी हटाने जा रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा चीजें हम देख चुके हैं इसमें कुछ ऐसा अब बचा नहीं है चलो अगले टेस्ट को देखो अच्छा ये टेस्ट को देखो इसमें में ना क्वेश्चन भी आया हुआ है सल्फ एनिल एसिड और वन नेपथाइल अमीन रिएजेंट टेस्ट ये जो नाम है ग्रिस इलोसेफ टेस्ट है ना

तो हम लोग वहां ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं ऑन स्पॉट इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं ऑन स्पॉट कैसे बनाते है -no हैं अपन इसको मिला और एच सी एल मिला देते हैं और ये दोनों फिर बढ़िया करके एच एनओ टू बना लेते हैं यार अपना तो ये ऐसा करते हैं हम जनरली अभी यहां पर इस बात को ध्यान रखो इसका एप्लीकेशन है इतना गंदा टेस्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक अल्टरनेटिव वे बता रहा हूं सो अल्टरनेटिव वे में क्या करना है अपन को अपन को करना यह है कि सल्फ एनिलिक एसिड उठा लो सल्फ एनिलिक एसिड उठा लो उठा लो देखो सल्फोनिक वर्ड तो दिख रहा है तो एसओ थ्री एच लगा लेते हैं एनिलिक यानी एनिलीन ग्रुप भी हो होगा यानी एनएच टू ग्रुप भी हो गई होगा ये कर लिया और फिर अब इसको ट्रीट करा लो सबसे पहले आप किससे एच एन ओ से ये करा लो एच एन का एक ही धर्म है एन एच को किस में चेंज कर देना एन टू में तो बनेगा क्या अपना फिर देखो जरा सो एन कन्वर्ट हो जाएगा एन में और अपने पास हो जाएगा एक सल्फोनिक ग्रुप अच्छा और थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा याद करो थोड़ा याद करो ये बेंजीन डायजोनियम जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है है ना मैं आपको एक छोटी सी चीज और पहले समझा दू फिर अपन आते हैं इसमें जरा ये जो कपलिंग रिएक्शन हमने सुना होगा इस कपलिंग को थोड़ा देखे ना आज कपलिंग रिएक्शन में ऐसा है क्या कुछ नहीं यार बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है कपलिंग में क्या होता है कि हमारे को एक तो पहली बात बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप लगाना है जो वेरी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग हो तो भयानक वाला प्लस एम लगाता हो मीजोमेरिक जैसे एन एच टू रट लो ओ एच आ जाएगा यहां पर याद रखना एन एच आर हो जाएगा एन आर टू हो जाएगा और इसके अलावा कोई नहीं होगा ऑलमोस्ट यही चार है और अगर इसके साथ एक इलेक्ट्रोफाइल हो मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये Q जो होता है ना इसको डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये ना आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को समझाता है बेटा तू कैसे? अगर ये ये है है है। तो ये और और को को बढ़ा देता चाहिए होता है। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाए अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाए ये बेंजीन डाइजोनियम तो ये फिर इसके पैरा पे ही जाएगा पे बहुत कम जाता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है

अब अमीन में पहले मुझे बनाना पड़ेगा तो ये हो गया ऐसा और ये जो है ना इसमें केवल दो ही पोजिशन होती है ये चारों पोजिशन आइडेंटिकल माना जाता है और चारों के नाम होते हैं अल्फा और ठीक ऐसे ये चार पोजिशन जो देख रही है वो आइडेंटिकल होती है उन्हें बोलते हैं बीटा तो होता क्या है हमारे वाले केस में वन नेपथाइल ये जो नेपथिलीन है इसमें से पहले एक हाइड्रोजन हटा दो यहां से हटा दो

तो यहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो पैरा पे लगा देना है और अब आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से घूरिए पहले तो क्योंकि एक नजर में ये देखा नहीं जाएगा क्या हुआ होगा देखो जरा ये इतने पार्ट को ध्यान से देखो इसको बोलते हैं वन नेपथाइल जिसके पैरा पे क्या लगा दिया अपन ने अपना इलेक्ट्रोफाइल और एक कलर्ड प्रोडक्ट बनता है जो टेस्ट है तभी होगा जब सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट होगा तो ये होता है सल्फ वन एनिलइल टेस्ट तो इस टेस्ट को आसानी से हम तैयार कर सकते थे होपफुली अब ये टेस्ट क्लियर है हमारे पास फाइनली नाइट्रेट के नाम पे कन्फर्मेट्री टेस्ट में एनो टू गैस निकला था सॉरी एरर हो गई यार यहाँ तो कन्फर्मेट्री नहीं प्रीलिमिनरी टेस्ट में एनो टू निकला था जो ब्राउन फ्यूम्स था और कन्फर्मेट्री में दो आ गए दो कौन से आ गए अपने पहला वाला ये आ गया जो स्टार चायोडाइट पेपर है उसमें आई माइनस को आई टू में चेंज करेगा

बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल में और फिर उसी में मिला देना धीरे से क्या वन अमीन तो डाई कलर्ड प्रोडक्ट बनेंगे और उसे कंफर्म हो जाएगा बताओ भाई आया हमें ये समझ चलो आगे बढ़ते सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस अब किसके साथ चालू कर रहे हैं

वो जो बाहर आएगा उसमें क्या प्रॉपर्टीज है उनको थोड़ा पहले देख लें फिर पहचानना सीख लेंगे चलो देखो जरा मान लो कि एक कलरलेस गैस निकल रहा है जिसका पंजेंट स्मेल है और ये क्या कर रहा है डेंस वाइट कलर के फ्यूम्स दे रहा है जब हमने एक रॉड जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया रखा था इसके मुंह पे लेकर जाए इस नियर दी माउथ तो इसका मतलब है वो एच होंगे इसका मतलब है वो एच होंगे अब कैसे हो जाएंगे एच होता क्या है कि जब एच गैस होगी और हम यहां पर क्या करेंगे एन एच OH मिलाएंगे इमेजिन करो ना आपके पास इस तरीके का एक बीकर है जिसमें क्या पड़ा हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आपने यहां एक ग्लास की रॉड ऐसे डिप कर रखी है और एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें से कोई गैस निकल रही होगी कौन सी गैस निकल रही होगी एच गैस तो ये ग्लास की रोड को यहां ला के रख लो तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे एसिड बेस रिएक्ट करेंगे और अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे और अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड के डेंस डेंस फ्यूम फ्यूम होते हैं। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे भी। अच्छा HCL से क्या होगा कि तो पढ़ा अभी -अभी तो था सर देखते पंजेंट ऑर्डर इवॉल्ट ठीक है भाई इंटेंसिटी जो है रेडिस गैस की और बढ़ जाए क्या मिलाने से आफ्टर एडिशन ऑफ सॉलिड एम टू द रिएक्शन मिक्सचर और साथ में सॉल्यूशन एक रेड कलर भी एक्वायर कर ले तो मतलब ब्रोमीन के वेपर्स थे ब्रोमीन के वेपर्स थे यानी ब्रोमाइड रहा होगा अब यहां एम एनो का, का काम कैटलिस्ट का होता है और ये रिएक्शन कैसे होती है ये हम जल्दी ही सीखेंगे अभी तो बस अंदाजा लगा रहे हैं क्या क्या सीख लिया अभी अपन ने सबसे पहले व्हाइट डेंस फ्यूम्स अगर मिल गए तो एच हो सकता है है ना दूसरा अपन को ये पता लग गया रेडिस ब्राउन गैस है तो फिर क्या हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आगे देखो वॉयलेट कलर के वेपर इतना सुनते से ही आपके दिमाग में आयोडिन आना चाहिए फ्लोरीन याद करो कैसा था फ्लोरीन लाइट येलो था क्लोरीन ग्रीनिश येलो था पैरेट ग्रीन था और ब्रोमीन रेडिस ब्राउन था आयोडीन तो ब्रोमिनट वेपर से अंदाजा लग जाएगा काफी हद तक ये आयोडीन होगा बाकी और कंफर्म करना है तो क्या करना है आगे स्टार्च पेपर को यह ब्लू कर लेगा थोड़ी देर याद करो जरा अभी के वाला केस आया था जिसमें आई बना था एंड एक लेयर बनेगी वॉयलेट सबलिमेट अच्छा ये सब्लीमे जो है बेसिकली वो आयोडीन ही है और आयोडीन का एक सबलाइन सब्सटेंस है मतलब अगर आप हीट करोगे तो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इज ऑन दी साइड्स ऑफ ट्यूब ये जो फ्यूम है धीरे धीरे क्या होते जाएंगे डेंस हो जाएंगे अगर इसमें भी क्या मिला दे एम एन ओ टू मतलब एम एन ओ टू भी क्या करेगा कुछ और ऐसा करेगा जिससे आयोडीन के वेपर्स का नंबर बढ़ेगा कुछ पैरेलल रिएक्शन स्टार्ट करेगा ऐसा हमको देखना पड़ेगा क्या होगा फिर

पक्का कॉपर कुछ ऐसा करेगा जिससे निकलने वाले गैस के वेपर्स के अमाउंट में बढ़ोतरी होने वाली है ऐसा इसलिए हो रहा होगा और सॉल्यूशन फाइनली ब्लू कलर का भी हो जाए तो वो एनओ हो सकता है और आयन क्या हो सकता है उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर एनो की प्रॉपर्टीज है तो नाइट्रेट हो सकता है ये तो सारे प्री टेस्ट है मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में आपने एच टू एस ओ फोर मिलाया तो चार में से कोई एक केस तो आएगा और नहीं आया तो

सारे क्लोराइड एक्सेप्ट ए जी सी एल एच जी सी एल टू टू सी यू सी एल टू आर वॉटर सोल्यूबल चारों क्या है नहीं है सोल्यूबल लेकिन सच्चाई है कि PBCL2 ना सोल्यूबल है लेकिन शर्त यह है कि इन हॉट वाटर, इन हॉट इन हॉट वाटर। लेकिन कोल्ड वाटर में इन है मतलब ये एक ऐसा प्रेसिपिटेट है अगर इसे गर्म करेंगे तो डिसअपियर ठंडा करेंगे तो रीअपियर हो जाएगा तो ये ध्यान रखना है. ट्री टेस्ट में क्या करना है भैया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पहले तो ट्रीट कराना चालू करो मान लो क्लोराइड हुआ तो क्लोराइड सॉल्ट आया होगा किस फॉर्म में आया होगा मान लो एनए सी ही ले लिया अपन ने तो एन ए सी एल एच टू एस ओ फोर के साथ इंटरेक्ट करेगा ही करेगा और बहुत ही सिंपल सी चीज है यहाँ पर देखो यार आयंस को एक्सचेंज मार दो क्या बनाओगे अब ये देख लेना जरा अब हम कंसनट्रेटेड वाले केस में पहुंच गए सब तो कंसनट्रेटेड वाले केस में मोस्टली मैं यहाँ एच प्लस और यहाँ एच एस ओ फोर माइनस लिखूंगा

ब्लू लिटमस को रेड कर देगा हाँ क्योंकि ये एक एसिड है कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो है ना दूसरा यह कि ग्लास रॉड जो डिप्ड थी किसमें एन एच फोर ओ एच में उस टेस्ट ट्यूब के मुंह में रख दो जिसमें एच सी एल निकल रहे हैं तो क्या आ जाएगा व्हाइट क्लाउडी डेंस वाइट फ्यूम्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और ऐसा बहुत कम होता है ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आ गए तो बहुत आसानी से आंसर पहचान लोगे एक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी अपने पास जिसमें क्या करेंगे एजीसीएल बना लेंगे और एजीसीएल जी वाइट पीपीटी होता है एजीसीएल क्या होता है वाइट पीपीटी ये ध्यान रखो एक तरीका ये है याद करो मैंने क्या कहा था एम एन ओ टू कैटलिस की तरह बिहेव करेगा तो अगर हम एम एन ओ टू ले लें और मैं इसको ट्रीट करा देता हूं एच सी एल मेरा मतलब है कि जिस टेस्ट ट्यूब से एच सी एल निकल ही रहा था उसमें थोड़ा एम एन ओ टू भी मिला दो और हीट करो तो जो रिएक्शन चल रही थी वो तो चल रही थी लेकिन एक नई चीज और चालू हो गई यहां एम एन सी एल टू बनेगा एच टू ओ बनेगा और साथ में देखो क्या बनेगा सी एल टू तो क्लोरीन निकलने का जो क्लोरीन के जो वेपर्स वो और इंटेंसीफाई हो जाएंगे है ना तो देखो ये एम एन प्लस फोर्थ में है यहां पर तो ये एम एन क्या कर रहा है इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्लोरीन जब निकलेगी तो कलर याद कर लो भाई येलोएस ग्रीन पैरेट ग्रीन येलो ग्रीन इसके अलावा एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी है और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है एडवांस तक में काफ़ी क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं तो इस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को देखते हैं उसके पहले अपन एक छोटा सा काम करते हैं पहले हम ये देख लें कि हमारे पास सिल्वर के जो तीन पीपीटी है एजीसीएल ए और ए है ना कलर याद कर लो पहले इनके क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है ये हो गया व्हाइट वाला पीपीटी ये वाला हो गया लाइट येलो टाइप का या पेल येलो टाइप का पीपीटी और ये लास्ट वाला जो होता है ये वाला ये होता है डार्क येलो टाइप का या सिंपली येलो बोलें डार्क भी नहीं बोलेंगे तो चलेगा पर ऊपर वाले को फिर लाइट बोलना जरूरी है और इसमें एक खास बात यह है कि अगर हम इसमें क्या करें थोड़ा सा मिला देते हैं एजीसीएल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये पीपीटी अगर डिसअपियर हो जाए बिकॉज एजीसीएल क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है इस तरीके से ए जी एन एस

एजी बना एन एच थ्री होल्ड वाइज बना एज इट इज कॉम्प्लेक्स तो वही रहेगा स्ट्रेट लिख देना। और यहां पर क्या होगा अगर एन एच फोर ओ एच मिला दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा इन तो इनके बीच में एक छोटा सा एक्स्ट्रा डिफरेंस जो और हमें जानना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है अब आप इन्हें भी याद रख लें अपने लिस्ट में इन्हें भी ऐड कर डालें चलो तो ये था वो ठीक है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आगे पढ़ने वाले हैं अपन तो लगे आदम उनकी ये प्रॉपर्टीज देख लें जो बार बार रिपीट होगी अच्छा इसी में अपन क्या करते हैं अब एक छोटा सा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी ऐड कर लेते हैं क्लोमाइल क्लोराइड अभी ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है पहले ये समझो उसके भी पहले ये समझो क्रोमाइल क्लोराइड ही क्या होता है सीआरओ टू सी एल टू इस प्राणी को बोलते हैं सीआरओ टू सी एल टू कैसा होता है डीप रेड डीप रेड कलर की गैस है एंड डीप रेड कलर का ही लिक्विड है मतलब जब आप इसको लिक्विफाई करोगे ना तो ये डीप रेड कलर का ही आता है करते क्या अपन बढ़िया से एक सोल्यूबल क्लोराइड ले लो पहले तो अब सोल्यूबल ही लेना सोल्यूबल क्लोराइड से मेरा मतलब है फॉर एग्जाम्पल आप एनए ले लो पी टू मत ले लेना एच जी टू सी एल टू मत ले लेना ये वाटर में इन है क्लोराइड आयन ही नहीं मिलेगा टेस्ट ही नहीं मिलेगा तो एन ले, ले लेते हैं ज़्यादातर एन सबसे आसान पड़ता है और हम क्या करेंगे इसको के टू सी आर टू ओ सेवन और कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर से ट्रीट मार देंगे याद रखना जरा इससे है ना तो रिएक्शन में दो चीजें होने वाली है दो तो चीजें क्या है पहला कि NaCl सी एल एच टू एस ओ फोर के साथ इंटरेक्ट करेगा 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 कंसेंट्रेटेड वाला है भैया तो एक एच प्लस देगा एक एच एस ओ फोर माइनस बन जाएगा तो बने क्या जाएगा यहाँ से एक एच सी एल बन जाएगा और एक बन जाएगा NaHSO4 ये बना लिया अपन ने इतना काम हो गया चलो अब दूसरा ध्यान देना दूसरी तरफ K2Cr2O7 भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है जो एसिडिक मीडियम में है सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके साथ कुछ-कुछ रिएक्शन खेलेगा क्या खेलेगा यहां तो K+ ही है पक्का है जो HSO4- के साथ KHSO4 के बन के भाग लेगा बोलेगा का, मेरा काम खत्म वाटर तक ले आया मैं तेरे तो को सॉलीबल बना दिया ना अब ह, यहां से आयन जो मिला उसको देखो जरा सी आर टू ओ सेवन टू माइनस मिल गया और हमें बोलेंगे, या चल के सीआर एच टू ओ में तोड़ देना ये है वो प्राणी और ये है वो प्राणी जो दोनों मिलकर अब होने वाले हैं लाल लाल रेड रेड एच सी एल प्लस सी आर ओ थ्री कंबाइन कर दो और बना दो CRO2, Cl2 और आपको क्या दिखेगा डीप रेड कलर की गैस या डीप रेड कलर का लिक्विड ऑन लिक्विफिकेशन समझ जाओ क्या था क्लोराइड क्योंकि ये टेस्ट कौन देता है क्लोराइड क्लोराइड क्यों देता है क्योंकि जब तक HCl नहीं बनेगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता तो अपने उस टेस्ट की बात करते हैं ना यार वापस चलते जरा उसमें ये रहा NaCl लिया था डाइक्रोमेट लिया था H2SO4 लिया था फाइनली देखो हमने क्या बनाया यहां पर तो मैंने इसको और तोड़कर समझा दिया और क्लियर हो गया इससे इससे क्या हुआ ये पता लग गया ये रेड कलर का पॉइजनस वेपर्स किसके क्रोमाइल क्लोराइड के बनेंगे अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई कौन देगा ये टेस्ट केवल वो जो क्लोराइड है नहीं नहीं देगा एस देगा।, एस देगा वो लोग भी नहीं देंगे जिनमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा से ज्यादा है या तो पूरी तरह से कोवलेंट है केवल वही क्लोराइड देंगे जो वाटर में सोल्यूबल है सफिशियंट आइनिक करेक्टर है हाँ जी बताइए क्लोराइड में कोई भी समस्या अब आई थिंक नहीं होगी तो क्लोराइड के बारे में सारी बातें पता लग गई अब आगे चलते हैं चलो ब्रोमाइड ले आते ब्रोमाइड में क्या क्या है सारे ब्रोमाइड फिर से इनको छोड़ दो ऑलमोस्ट सेम ही लोग हैं यहां पर थोड़ी देर पहले पीबीसीएल टू था थोड़ी देर पहले यहां पर सीयू टू सी एल टू था यहां पर एच जी टू सी एल टू था ऑलमोस्ट ही है ना आसान हो जाएगा याद करना

तब उसके अंदर एक भयानक वाला गुड़ आता है किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला तब वरना नहीं और H2SO4 अपने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को कैसे सेटिस्फाई करेगा जैसे ही यहां पर HBr बनेगा HBr बनेगा ये Br- को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू Br2 और हीट तो कर ही रहे तो ब्रोमीन के क्या आ जाएंगे वेपर्स और कलर क्या होता है वही जो जिस कलर से लिखा हुआ है रेडिश ब्राउन मैंने कहा था ना कि अगर हम उसमें एम टू मिलाए तो इंटेंसिफाई हो जाएगा इंटेंसिफाई तभी हो सकता है जब यहां से ब्रोमीन जो निकल रहे थे ये यह वाले यहां से जो निकल रहे थे और कहीं एडिशनल बनने लगे एम टू मिलाने से यही होता है ये मेमेनो टू करता है क्या है पहले इस एम टू के बारे में थोड़ा सा जान लो यार इस एन टू को बोलते हैं मैग्नीस डाइऑक्साइड और जिसके नाम पर डाइऑक्साइड लिखा है वो एच टू ओ टू नहीं बनाता तो ये भी एच टू ओ टू नहीं बनाएगा वरना लोग क्या कर सकते हैं जनरली ये करते हैं कि सर ये एच बी आर है मैं बना रहा हूं एम एन बी आर टू और एच टू ओ टू अरे भाई ऐसा नहीं होता डाइऑक्साइड में नहीं होता ऑक्साइड बहुत सारे टाइप के होते हैं सब ऑक्साइड होते हैं डाइऑक्साइड होते हैं इसका नाम देखो ना मैंगनीज डाइऑक्साइड जितने भी डाइऑक्साइड होंगे उनका पैटर्न ऑफ रिएक्शन यही होगा क्या ये एच बी आर के साथ मान लो रिएक्ट किया अभी डाइऑक्साइड में कोई और दूसरा एग्जाम्पल बताओ ये तो रट लिया तुमने पी बी ओ टू ले लो

तो तो ये तो प्री टेस्ट अब ट्री में चलो कंफर्मेट्री में क्या कहानी है अपने पास सिल्वर नाइट्रेट पक्का है ना एजीबीआर बना लेना आप एजीबीआर क्या होगा याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा थोड़ी देर पहले ही देखा है बिल्कुल येलो पेल येलो बहुत हल्का लाइट पीपीटी और अगर कंफर्म करना है कि एजीबीआर है या एजीआई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ अगर थोड़ा बहुत सोल्यूबल है तो एजीबीआर नहीं है तो फिर एजीआई तो ये एक तरीका है इसके अलावा एक ये रिएक्शन और है हमारे पास क्या करें अगर हम एन और क्लोरीन को रिएक्ट करा दें क्या हमें ये बात पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के सीक्वेंस को लिख दें तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ये सोल्यूशन से इनकी छुट्टी करा देता है डिसप्लेस कर देता है ठीक ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर लेता है एंड ब्रोमीन किसको कर लेता है आयोडीन को तो यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन दिख रहा है क्या ये रिएक्शन संभव है हाँ है क्लोरीन ब्रोमीन को करेगा अरे भाई ब्रोमीन थोड़ी ना करेगा ब्रोमीन तो पहले से किस में है कंपाउंड में तो क्लोरीन ब्रोमीन को क्या कर लेगा क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर लेगा और बी आर टू बन जाएगा और जो बी आर टू बना होगा और जो बी आर टू बना होगा बन अगर मान लो सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया सी सी एल फोर तो ब्रोमीन तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि सी सी एल फोर होता है नॉन पोलर और ब्रोमीन भी होता है नॉन पोलर नॉन पोलर लव्स नॉन पोलर ये ध्यान रखो और जो एन ए बी आर बनेगा ये वाला यहां पर ये जो एन ए बी आर है वो सीसीएल फोर में डिजोल्व होता नहीं है और ना ही एन ए सी एल होता है क्योंकि ये दोनों होते हैं आइनिक सी सी एल फोर होता है नॉन पोलर पोलर वाला पोलर को पसंद करता है नॉन पोलर वाला नॉन पोलर को तो इस तरीके से एक टेस्ट ये भी निकाल सकते हैं सी सी एल फोर की इस लेयर में कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर का आ जाएगा ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट बोलते हैं इसको अपन अगर हम इसका नाम लिखें तो ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट बोलेंगे इसे इस ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट के ऊपर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं देखो ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में करते हैं क्या ऑर्गेनिक लेयर में क्या करना है आपको आपको एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें दो लेयर बना लेना है एक लेयर मान लो आपने बना लिया किसका सीसीएल फोर का और एक मान लिया यहां पर ब्रोमीन प्लस वाटर है या आयोडीन प्लस वाटर है या क्लोरीन प्लस वाटर है लेट से यहां पर क्लोरीन कर दो समझने के लिए आसानी के लिए अपन यहाँ क्या बना लेते हैं क्लोरीन वोरिन कर लेते हैं क्लोरीन वाटर मिला दिया अब क्या हुआ अपन ने मान लो इसमें क्या था ब्रोमाइड था या आयोडाइड था ये डिपेंड करता है मान लो कि इसमें ब्रोमाइड था तो ब्रोमाइड आयन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन चालू होगी है ना ऐसा हो जाएगा क्लोरीन इसको डिस्प्लेस करके खुद सी एल माइनस बनाना चाहेगा और बी आर टू बनना चाहेगा और बी आर टू जो बनेगा बी आर टू जो बनेगा वो नॉन पोलर है वाटर में सॉलिबिलिटी कम है तो वो इस लेयर से निकल के इधर भागता जाएगा और जब इधर भागेगा तो ये लेयर कलर्ड होती जाएगी इनिशियली ये वाली लेयर कलर्ड है और बाद में ये वाली लेयर कलर्ड हो जाएगी इसे पता लग जाएगा इसे बोलते हैं हम चलते हैं आयोडाइड में और चलते हैं एक और सिंपल सा निपटा लेते हैं फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं देखो तो आयोडाइड में क्या अपने पास पहले तो सारे आयोडाइड फिर से वही चारों को छोड़ दो बेसमो आयोडाइड इंपॉर्टेंट आर वॉटर इन सोल्यूबल ठीक है बाकी सारे जनरली सोल्यूबल टेस्ट में क्या हुआ होगा एच टू एसओ फोर से एच प्लस लिया होगा एच आई और एच आई एच आई जो भी बनेगा एच टू एसओक्शन की वजह से इसको oxidize करके I2 में में कर देगा, खुद चला जाएगा और साथ में डिपेंड करता है जैसे सोडियम था यहां पर तो सोडियम क्या बना लेगा सोडियम सल्फेट बना सकता है और मैंने पहले ही कहा है कि अगर तुम्हें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख जाए ऑलमोस्ट तुम्हारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है वाटर बनाने का तो मैंने राइट साइड में वाटर भी बना लिया चलो आयोडीन जो निकला उसे पता लगा ना वायलेट कलर के पेपर थे कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या करें तो ये जो एन है ये जो अपना सॉल्ट था उसमें फिर से लाओ मिलाओ से फिर से वॉयलेट वेपर लाओ सब कुछ सेम सेम लेकिन इस आयोडीन को स्टार सॉल्यूशन से पास कराना पड़ेगा स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स याद करो ब्लू कलर का होता था स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स एक तरीका और है यार इसका एक तरीका ऐसा है कि अपन ऐसा करें कि एक ऐसा बीकर ले ले है ना मान लो एक ऐसा बीकर ले लिया अब इस बीकर में मैंने क्या मिला दिया H2SO4 और इसमें एक पेपर डिप कर रखा है जो बेसिकली जिसके अंदर स्टार्च है और जिसके अंदर के आई है ऐसा तो यहां पर जो I माइनस होगा H2SO4 उसे क्या कर देगा ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा और वो आयोडीन यहां पर स्टार्च के साथ फिर एक ब्लू कलर का क्या बना लेगा ब्लू कलर का क्या बना लेगा कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स या सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि हमने पेपर लिया है या सॉल्यूशन लिया है एम एन ओ टू मिलाने से वही सेम काम होने वाला है अब तक हम बोर होने लगे होंगे क्योंकि अब समझ में आ गया टेस्ट में काफी कुछ सेम है देखो तो एम एन ओ टू लोगे डाइऑक्साइड और सामने मान लो तुम्हारे आ जाए एन ए आई क्या बनाओगे फिर से भाई एम एन आई टू टाइप का कुछ बना दोगे आई टू भी निकाल देना जरा ध्यान से सुनना और ये आई टू निकल रहे हैं ना जो एक तो अपना तो क्या होगा फिक्स है ए जी आई येलो कलर का पीपीटी और अगर कन्फर्म करना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ और क्या करो सेक करो सेक करके देखो क्या सोलबल है आपको पता लगेगा नहीं है और नहीं है सोलिबल इसका मतलब एजीआई जी होता तो एजीसीएल होता तो एजी बी आर और यह फिर इन ऑर्गेनिक लेकिन आई टू पहुंच जाएगा ऑर्गेनिक लेयर में ऑर्गेनिक लेयर को कर देगा वॉलेट ऑर्गेनिक लेयर को कर देगा वॉलेट आई टू को सीसीएल फोर पसंद है ना तो ये पोलर है ना तो ये पोलर है जमती है बढ़िया इनकी मॉलिक्यूल के बीच में सेट होना आसान है अब मान लो कोई पोलर सॉल्वेंट है तो भाई उनके बीच के मॉलिक्यूल्स में मोलिक्यूल है ना पहले उसको तोड़ो फिर जाके जगह बनाओ जमी तो ठीक नहीं तो वो भगा देंगे अलग लेयर बना देंगे इनकी तो जम रही है आपस में वो था नॉन पोलर इसलिए उसमें हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक लेयर को क्या कर देगा वॉयलेट चलो और एक दो टेस्ट देखते हैं अब क्वेश्चन की बारी है ना इसके बाद क्वेश्चन के लिए तैयार है ना नाइट्रेट का टेस्ट कर लेते हैं अब नाइट्रेट किया था इसके पहले अपन ने अब नाइट्रेट सारे नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल है अब यह बात भूलना नहीं है है ना अच्छा मैं आपको एक फ्री की इंफॉर्मेशन देता हूं यह भी रख लेना जरा ए जी एन टू एक ऐसा नाइट्राइट है एकमात्र जो वाटर इन है वो भी नाइट्राइट है नाइट्रेट नहीं है वाइट कलर का पीपीटी ही होता है ये इसको छोड़कर कोई नहीं बाकी सबके सब सोल्यूबल सब व्हाइट पीपीटी मतलब मोस्टली सारे नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही सोल्यूबल होते हैं टेस्ट में क्या करा था प्रीलिमिनरी टेस्ट में सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व किया एच प्लस गेन किया क्या बनेगा एच एन ओ थ्री बना लिया और ये क्या होता है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला हाँ जी ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एच एन ओ थ्री चूंकि हीट तो कर ही रहे हो आप तो वो टूट जाएगा इन टू दिस दिस और एन ओ टू के क्या होंगे ब्राउन कलर के वेपर्स ये तो प्री टेस्ट हो गया अब कंफर्म करना है ना तो कंफर्म में आधा तो प्री का काम चल ही रहा था हमने क्या किया उसी एन एनओ थ्री और एच टू एस ओ फोर वाले सोल्यूशन में जिसमें एनओ टू निकल रहा था थोड़ा सा कॉपर मिला दिया कॉपर मिलाने से क्या होगा देखो तो जैसे ही आप कॉपर मिलाओगे तो कॉपर क्या होगा नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड है भाई ध्यान रखना जरा मतलब आप ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई भी रिएक्शन उठा लो अगर नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है तो वो रिड्यूस होकर मोस्टली एनओ टू में ही जाएगा तो कॉपर जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कॉपर नाइट्रेट बना लेता है इस तरीके का है ना साथ में बनते हैं एनो टू और प्लस वही ये मेरा जो बचपन का अधिकार है बचपन तक चलता है जो एच टू ध्यान रखना एनो टू तो बढ़ गए ना भाई एनो टू अब दो तरीके से बन रहे हैं पहला ये सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बनाकर एनो टू बना रहा था और अब कॉपर मिला दिया तो कॉपर ने भी एक साइड में रिएक्शन चालू कर दी और उस रिएक्शन से भी क्या बनने लगे अपने

जिसमें पड़ा हुआ है NO3- आयन थोड़ा सा एसिडिफाइड है H2SO4 वगैरह मिला दिया था ये ध्यान रखना सब बहुत अच्छे से सुनना अच्छा इसमें ना आपको क्या करना है FeCl3 भी ऐड कर लेना है वैसे तो हम FeCl2 करते हैं FeCl2 करते हैं या FeSO4 भी ले सकते हो वो आगे चल के बन जाएगा और फिर जब आप इसमें धीरे धीरे यहां से साइड से धीरे 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 बहुत धीरे धीरे बहुत ज्यादा धीरे धीरे कारण ये है ना कि ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है अनस्टेबल है तुम्हारा हाथ हिला वो गैप वो ब्राउन रिंग का जो जंक्शन आना रिंग जो आनी है वो आएगी नहीं सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा इसलिए धीरे धीरे इसमें जब आप क्या मिलाओगे कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर तो जहां पर ये पहली बार क्या होंगे मिलेंगे वहां एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है ये जो रिंग है थर्मोडाइनिमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती उसके बहुत सारे कारण हैं वो कारण अभी हम दो मिनट में देखते हैं पर एक बात है जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है ना वही बना पाता है ये रिंग और बड़ा फेमस टेस्ट है यार अब इस टेस्ट की थोड़ी रिएक्शन को समझते हैं सोडियम नाइट्रेट लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ये नाइट्रेट लाना था ना सोल्यूशन में उसके लिए तो लिया था अपन ने सोडियम नाइट्रेट क्या बना लिया अपन ने एच एन ओ थ्री अच्छा एच एन ओ थ्री एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है नाइट्रोजन यहाँ प्लस फाइव में है एफ ई एसओ फोर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन को यहाँ किस में भेज देगा एफ ई थ्री प्लस में खुद रिड्यूस होगा एनओ NO में या मोस्टली एनओ टू में और यहाँ पर क्या होता है कि वो आयरन जो होता है अपना जो आयरन टू प्लस है जो कि आयरन थ्री प्लस में कन्वर्ट हो गया है ठीक है ध्यान देना जरा बहुत अच्छे से सुनना हमने एफ ई एसओ फोर को थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था इतना ले लिया था कि जितना एच एन ओ थ्री है जितना एच एन ओ थ्री आएगा जितना आएगा वो खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से आयरन चला जाएगा एफ ई टू एस ओ फोर होल एन ओ वगैरह बना लेंगे अपन ये तो बन गया अपने पास थोड़ा एक्सेस में ले लेना सब ताकि ये बच जाए और अगर ये बच जाए तो क्या होगा अब आयरन थोड़ा ऐसा ही बचा है जो प्लस टू में है और जनरली ये मीडियम में इस फॉर्म में होता है एफ एच टू ओ होल सिक्स और इस पर चार्ज है प्लस ऐसा ठीक है और ये एक थोड़ा सा अच्छा लीगेंड है स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो ये आकर इसमें से वाटर को मार देता है डिस्प्लेस और डिस्प्लेस मारता है तो बनता क्या है एफ एच टू ओ होल फाइव बोलो नहीं एनओ और साथ में यहां चार्ज दिखा सकते हो आप अब यहां पर मैं चार्ज दिखाने के पहले कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं इन बातों को आप अच्छे से याद कर लीजिए रट लीजिए क्योंकि पेपर में जाके गलती नहीं करनी है आयरन एक तो यहां प्लस वन में है प्लस टू में नहीं है आयरन को प्लस थ्री प्लस टू ठीक ठाक पसंद है प्लस टू ज्यादा पसंद है प्लस वन तो नहीं है पर है एनो पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड है आउटर डी कॉम्प्लेक्स है वीक फील्ड लीगेंड है इतने सारे कारण है इसके थर्मोडाइनमिकली ज्यादा स्टेबल ना होने के क्या क्या कारण बताया मैंने आयरन प्लस वन में है एनो किस में है प्लस वन में है तो ये पॉजिटिवली चार्ज ले है वीक फील्ड तो नहीं है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज है वाटर वीक फील्ड है कलर कैसे आ गया कलर कैसे आता है ये भी सुनो आयरन प्लस वन है और एनओ प्लस वन है यहाँ एक गेम चलता है उस गेम को हम बोलते हैं कि आयरन बोलता है यार भाई दो मिनट सांस ले लेंगे दे, दैट मीन्स मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे को एफ में जाना है तो वो एफ में जाके सांस लेके आता है लेकिन एनो को वहां दब तक दम घुट रहा होता है एनो न्यूट्रल हो जाता है फिर एनो क्या करता है एनो वापस वापिस इलेक्ट्रॉन देता है और ये ट्रांजिशन चलता रहता है जिसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कलर कलर आने का कलर आने का का कारण कारण भी ये है तो ये कुछ रीजन है जिससे ये क्या होता है ब्राउन रिंग स्टेबल नहीं होता तो बोलना नहीं है एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा मिलेगा इसलिए आपको ये वर्जन याद करना है ये वाला भी याद रखो पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बस हमने आयरन को नॉर्मल फॉर्म में दिखा दिया हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं दिखाया और कुछ नहीं है बाकी आयरन इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं है बनाता है तो कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स वाला बनाएगा तो ये वाला बनाएगा चलो देखो तो भाई चार पांच बार इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं इसको बहुत काम की चीज है ये बहुत कुछ पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं कुछ भी पूछा जा सकता है तो बोलना नहीं चलो पढ़ते आगे बढ़ते सल्फेट और रह गया सल्फेट अब सल्फेट लेके याद रखो वन ए खत्म टू ए खत्म अब कहाँ पहुँच गए अपन वन बी वन बी में सल्फेट था फॉस्फेट था आर्सेनेट था केवल सल्फेट पढ़ना है कितनी गुजे की बात है भाई सारे सल्फेट इनको छोड़ दो और इनको क्या बहुत सारे हो गए ये तो है ना अरे बहुत सारे हो गए ये क्या मजाक है लेड सल्फेट वाइट पीपीटी लिथियम सल्फेट स्पैरिंगली सॉल्युबल बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी स्ट्रॉन्सियम सल्फेट आर वाटर सॉल्युबल इनको छोड़ दो इनको इतने लोगों को छोड़ दो ये भी वाइट पीपीटी है ज्यादातर वाइट पीपीटी है डोंट वरी सारे के सारे वाइट वाइट टाइप के हो रहे हैं इट डज नॉट गिव टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि उसके साथ इंट्रैक्ट ही नहीं करता यार हो कैसे सकता सल्फेट सल्फेट कैसे खेलेंगे वो आपस में अच्छा नहीं लगेगा उनको ना तो ये तो बाहर हो गया अब क्या है इनके लिए फिर मैंने क्या बताया था टू ए के लिए क्या बोला था मैंने मैंने बोला था ना बहुत अच्छे से याद नहीं वन बी के लिए क्या बोला था बोला था कि भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेसिपिटेट रिएक्शन होंगे तो बस फटाफट प्रेसिपिटेट पढ़ लो कलर याद करने अपन को पहला देखो कन्फर्मेटरी रस्ट बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी यहीं से समझ में आ गया बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी यार ये गलत हो गया थोड़ा इसको सही कर लेना पी पी टी प्रेसी तो ये ध्यान रखना अच्छा थोड़ी और बातें करें कर वाइट पीपीटी पूरा नाम लिखो तो कर वाइट पीपीटी आगे और भी ये भी बोल सकते हो इन एसिड और बेस मोस्टली नहीं है किसी में सोल्यूबल बन गया तो बन गया इनसोल्यूबल इन एनी एसिड और बेस वाकई तो यहां एच सी एल और एच एन ओ थ्री भी है दूसरा टेस्ट देखो जरा एसओ फोर यहां से लेड उठा लाते हैं आए नहीं तो खेलना है आपस में लेड सल्फेट वाइट पीपीटी एक बार फिर लेड सल्फेट वाइट कलर का पीपीटी तो सारे पीपीटी ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे व्हाइट ही मिलेंगे और दो ही तो पीपीटी याद करने यार और इससे कम में क्या बताएं अब अब वो पेपर लीक थोड़ी ना कर देगा चलो आगे देखते हैं और क्या है क्वेश्चन आ गया यार क्वेश्चन क्वेश्चन निपटाते हैं एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन ने रिएजेंट ये तो पहला ही ऐसा क्वेश्चन हो गया जो थ्योरी में आया ही नहीं था ठीक है अभी बना लेते हैं नेशनलर रिएजेंट रट लो के टू एच जी आई फोर इंपॉर्टेंट भी कर लेना के टू एच जी आई फोर इसको बोलते हैं अमोनिया एंड अमोनियम तो थोड़ा बहुत तो यार चलता है ना एक दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रख लेने में कोई बुराई नहीं है चलो बताओ फिर देखो तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन है तो आंसर तो नहीं होगा आयोडीन दिख रहा है नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है यह आंसर है ये रहा आंसर डी भी है पर यह बाद में देख लेना पहले जरा खुद से सॉल्व करने की आदत डालो है ना अगला क्वेश्चन देखो प्रोलॉग्ड हीटिंग इज अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट फेरस अमोनियम सल्फेट को काफी देर तक हीट नहीं करते जब बनाते हैं यह एलम बनाने का एक तरीका है पैरस अमोनियम सल्फेट जो है ना एलम ही आयरन एलम है होता क्या है कि अगर ज्यादा देर तक हीट करोगे ना तो फिर वो फर्दर आयरन ऑक्सीडाइज होकर एफ थ्री प्लस में चला जाएगा और आपको बनाना है एफ ई एस फोर डॉट लेट से अमोनियम सल्फेट के नाम पे ये ले, ले लेते हैं एनएच फोर वोल्टवाइ एस ओ फोर डॉट सिक्स एच टू ओ लेट से ये बनाना था मोहर वाला सॉल्ट कौन सा वाला मोहर मान लो मुझे ये बनाना था ना तो उसमें यह एफ को संभाल के रखना फैर सल्फेट मत बना देना बना क्या हो जाएगा प्रोलॉन्ग हीटिंग करने से फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो बेसिकली क्या नहीं करने देना है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है सिंपल आंसर मेन्स का एक क्वेश्चन छोटा सा चलो आगे देखो जरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ो मेंस में आया था ये भी अ क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स अ करडी वाइट पीपीटी यहां से दिमाग में बी ए एस ओ फोर आ रहा है यहां से दिमाग में ए जी सी एल भी आ रहा है और बताएगा वो जिसमें क्या मिला है अगर अपन ने एजी एन ओ थ्री मिलाया अच्छा तो फिर तो ये बाहर हो गया क्योंकि ए जी सी एल बनेगा ना वाइट पीपीटी और वो कन्फर्म भी हो गया ना एन एच फोर ओ एच मिलाने पर वो पूरी तरह से क्लियर सोल्यूशन भी है डिजोल्व भी हो जा रहा है यार अब बच्चा आंसर ही बता दे और क्या करे अब सब तो बताई दिया उसने इससे आसान अब और क्या ही होगा मतलब यहां पर ए जी सी एल अपना वाइट पी पी टी होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऐसा नहीं ऐसा वाला पार्शली नहीं पूरी तरह से सोल्यूबल है और बन जाएगा ए जी एन एच थ्री ट्वाइस क्या आ जाएगा यहाँ सी एल चलो आंसर पिक कर लो ये ठीक लग रहा है ठीक है चलो आया पक्का चलो आगे बताओ और क्वेश्चन बताओ यार इसको मत देखा करो अभी है ना पहले खुद से ट्राई करो कॉपर टू प्लस आयन को के के साथ ट्रीट कराना है ठीक है करा लिया व्हाइट पीपीटी बनाना है बना लिया वो तो व्हाइट पीपीटी एक्स वो सॉल्यूशन में अपीयर हो गया अब सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद सोडियम थायोसल्फेट सल्फेट क्या होता है एसओ फोर टू माइनस अगर हम इसमें से एक ऑक्सीजन हटाकर एक सल्फर लगा दें तो एस टू माइनस आयन ये होता है थायो थायो बोलो तो नहीं भाई थायो के लिए क्या करना है एक ऑक्सीजन हटाना है एक सल्फर बढ़ाना है एक ही बात है तो थायो सल्फेट के साथ जब ट्रीट करेंगे तो वाई बनेगा और वाई क्या होगा अब कुछ बातें डी ब्लॉक की यहां पर लग जाएंगी जैसे कि कॉपर प्लस वन में एग्जिस्ट सॉल्यूशन में नहीं करना चाहता वो कॉपर टू प्लस में चला जाएगा और किस में चला जाएगा बेसिकली सी यू में डिस्प्रपोर्सनेट कर जाएगा है ना और अगर प्लस वन में नौबत आ ही गई है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये ध्यान रखो तो कॉपर को पहले उठाकर अपन रिएक्ट करा लेते हैं कॉपर को किसके साथ रिएक्ट करा लेते हैं के आई के साथ रिएक्ट करा लेते हैं कायदे से तो बनता है सी तो यू आई टू सच तो यही है पर इसमें आई माइनस एक अच्छा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कॉपर यहाँ पर जो प्लस टू में है उसे ये रिड्यूस करके प्लस वन में कन्वर्ट कर देता है और आई टू अलग हो जाता है

तो आई टू और एन ए टू एस टू ओ थ्री कर जाएंगे और थोड़ा रेडॉक्स उठा के फिट कर दिया उसमें और बना लेंगे क्या एन ए आई और क्या बना लेंगे NA2S4O6 और मेरे को ये सपना कैसे आया ऐसे आया कि ये जीरो से माइनस वन में जाएगा खुद का हो गया रिडक्शन तो सामने वाले का क्या करेगा ऑक्सीडेशन फिर आंसर क्या होगा बताओ आया नहीं आया थोड़ा दिमाग लगाना है बेसिक बेसिक चीज़ें भी अप्लाई करना ऐसा नहीं कि हमने मेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी पढ़ लिया और अब हम जय माता दी बोल के निकल गए पेपर देने अरे भाई थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है ना क्या है पीछे पी ब्लॉक में जो पढ़ा डी में जो पढ़ा थोड़ा थोड़ा उनका भी दिमाग रखना है चलो आगे बढ़ो वैस कॉलम लगाओ इतना सारा कौन पढ़ता है यार चलो पढ़ते हैं आज लेकिन कार्बोनेट है अपने पास कार्बोनेट सल्फाइड है सल्फाइट है और नाइट्राइट और मैच द कॉलम बनाना है अपन को ये बताना है कौन सा किसके साथ मैच होगा कलरलेस गैस विच टर्स लेड एसिटेड पेपर ब्लैक ये तो पक्का याद होगा पीबीएस तो पीबीएस के लिए एस टू माइनस भी तो होगा ना है ना तो ये तो पक्का हो गया इसके साथ जा रहा है मैं बहुत आलसी हूं इस मामले में यार सारे ऑप्शन जब चेक करने पड़े ना तो जितना आ गया उससे थोड़ा देखते चलो क्या पता काम हो गया हो बाकी हालांकि अपन सारा चेक कर लेंगे तो ये बी वाले को वन पसंद आ गया है बी वाले को वन पसंद आ गया है क्या बात है सबको पसंद आया था कोई फायदा नहीं होगा अब चलो कार्बोनेट में ये पहले ये पढ़ लो जरा कलरलेड कलरलेस गैस विच टर्न्स, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन हाँ जी तो पहले कहानी सुनो है ना ये कहानी क्या है कि अपना ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है अगर इसके सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट पड़ जाए और मीडियम एसिडिक हो तो यह हमेशा क्रोमियम थ्री प्लस वाला कंपाउंड यानी क्रोमियम सल्फेट बना लेता है ऐसा ही होता है पर शर्त यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर पाए या ये उसे क्या कर पाए ऑक्सीडाइज और यह एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हम देखें तो एसओ टू प्लस फोर से प्लस सिक्स जा सकता है आई माइनस माइनस वन से जीरो जा सकता है बढ़ सकता है बढ़ सकता है ये सब रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे तो अगर आपको कभी ऐसा लिखा हो कि ये प्राणी पोटेशियम डायक्रोमेट को क्या कर रहा है ग्रीन मतलब वो कह रहा है कि ये उसे रिड्यूस कर रहा है या पोटेशियम डायक्रोमेट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है देखो जरा अपने ऑप्शन में क्या क्या था तो ऐसा कौन कौन कर लेगा ये भी कर लेगा यार सल्फाइड से सल्फेट बन सकता है अभी ये बड़ा हो सकता है ये और बड़ा हो जाएगा ये भी सल्फर बन सकता है एसिड जीरो होता है ये भी हो सकता है यार नाइट्रेट भी हो सकता है तो तो ये धर्म संकट ही जा रहा है चलो थर्ड में चलते हैं ब्राउन फ्यूम स्विच के नहीं था यार ये गलत हो गया एनओ टू माइनस वाला पता है एनओ माइनस ऐसे ही करता था जो एच प्लस लेकर एच बना लेता था और फिर जैसे के आई उसके सामने आता था आई टू में कन्वर्ट कर देता था खुद एन में भाग जाता था और फिर ये यहन स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का बनाता था तो अभी तो इसको इसके साथ जाने दो कलरलेस गैस विद ब्रिस्क ये तो मजाक है अपना ये तो अपनी बेचीती कर रहा है जी अब ये ना बता पाएंगे है ना लें बता लेंगे यार बताओ एक ही तो अभी पढ़ा आज के डेट में और ऊपर से लैब मैनुअल ऊपर से तो कौन सा आएगा फिर ये तो सीओ टू हो जाएगा सीओ टू कहां से आएगा कार्बोनेट से आएगा तोड़ो ये इसके साथ चला गया तो ए वाला फोर के साथ चला गया यार ए वाला थ्री गलत ये बाहर ए वाला टू बाहर तो ये इतना पार्ट तो सेम हो गया अब चलो सी वाला अपन किसके साथ लेकर चले अपना एक रह गया ना कोई एक रह गया है हाँ ये रह गया ये यहाँ चला जाएगा फिर तो एनओ टू माइनस थ्री में ले चलते हैं अपन एन ओ टू माइनस ये वाला लेकर चल रहे हैं यानी डी वाले को थ्री पसंद आना चाहिए डी वाले को टू पसंद है यहाँ डी को थ्री पसंद है हो गया थोड़ा दिमाग लगाओ पेशेंस रखना लालची मत बन जाना ये क्वेश्चन इतना आसान है कि देखते साथ एक दो ऑप्शन मिले और टिक मार दिया यहीं पर ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री में सबसे गड़बड़ होती है केमिस्ट्री आसान है ये बस एक झूठ है आगे देखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव तो उसी में होते हैं याद करो जरा वन नेफ्थाइल एमीन और सल्फैनिलिक आज ही पढ़ा था ना क्या किया था अपन ने इसमें इसमें हमने लिया था एनिलीन और सल्फोनिक एसिड वाला ये सल्फैनिलिक एसिड नाइट्रस एसिड से ट्रीट मारा था और बोला था कि इसका धर्म क्या है जब भी एन एच टू देखे एन बनाओ बनाओ फिर बनाओ ये बना दिया अपन ने एन प्लस और ये बेंजीन डाइजोनियम एक तरह का अपना क्या है इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रोफाइल है भैया वो अब नैपथाइल वन नैपथाइल अमीन याद करो ये था ऐसा और बढ़िया आया है एन एस टू लगा देना बल्कि ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल तो पैरा पे भेज देना किसके डिटेक्शन में यूज़ किया था एच एन ओ टू एच एन ओ टू के पहले क्या होगा एन ओ टू माइनस एन ओ टू माइनस और एक कुछ हो सकता है क्या तो एन ओ टू माइनस भी ऑप्शन में आ गया यहाँ तो और एन ओ थ्री माइनस भी आ गया ये तो पक्का बाहर है यह तो पक्का बाहर है आप क्या करें आप क्या करें हमने तो एनओ टू माइनस में पढ़ा था अभी तो अभी अपन यहां पर क्या लेकर चले एन ओ टू माइनस ही लेकर चले इस पर ना जाए यह भ्रमित कर रहा है आपको ठीक है तो ये ध्यान रखना भ्रमित ना हो अब समझ में आ गया मैं इस पर क्यों नहीं देखने बोल रहा हूं क्या भी, कभी मैं भी खेल जाता हूं ना तुम ही बस खेलोगे क्या चलो आगे बढ़ते कॉपर टू प्लस के सॉल्ट पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे याद करो क्या हुआ था के के साथ जब रिएक्ट किया था तो क्या बना था सी यू ऐसा हुआ नहीं था ऐसा हुआ था पहले पहले सी यू बना था फिर यह बना था फाइनल आंसर फाइनल तो वो यहां तक पहुंच जाएगा फिर ये आंसर कर लेते हैं इसके साथ नहीं चलेंगे ये तो होता ही नहीं है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करते फॉर्म ले ही गलत है कुछ तो इसमें से मेन सिक्के देखो कैसे लॉलीपॉप देते हैं वो बीच बीच में है ना चलो आगे बढ़ जाओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट इन कलर बात आओ भाई देखो सारे सकले देखने के बाद एक बात तो पक्का है कि वॉयलेट के नाम पे हमने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है दो दो कौन से पढ़ लिए एक आयोडिन के केस में आया था पर आयोडीन कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा था और दूसरा दूसरा अपन ने पढ़ा था नाइट्रोप्र्यूसाइड टेस्ट और नाइट्रोप्र्यूसाइड टेस्ट का बेसिक क्या था कि भैया आपको सोडियम फेरोसाइनेट टाइप का यह कॉम्प्लेक्स लेना था सी एन होल फाइव एन ओ ऐसा और इसमें सल्फाइड आयन जो है जो कि एच टू से आ रहा था अपने केस में यह रिएक्ट कर रहा था और क्या बना रहा था एन ए फोर सी एन होल फाइव और आगे क्या लगा देना एनओ एस लगा देना कहानी में हुआ यह था कि ये जो एन NO प्लस है सल्फाइड के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना रहा था एन ओ एस माइनस था टाइप का फिर ये ठीक लग रहा है थोड़ा सही नहीं है इसको ऐसा कर लेना अब सही है आया बिल्कुल आसान है ना चलो ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखते जाओ रिपीट होने वाले हैं सर यही सब है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एम एन ज का कंपाउंड है 513 सौ तेरह कैलोविन पे रिजल्ट इन कंपाउंड वाई एम एन ओ टू और एक गैस प्रोडक्ट एम एन ओ टू एन ए सी एल के साथ रिएक्ट करता है एच टू एस ओ फोर के प्रेजेंस में और एक पंजेंट गैस एक्स बनाता है यार इसमें थोड़ा डी ब्लॉक आ गया के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू से एम एन ओ फोर आ गया मान लो अपन को नहीं पता भूल भाल गए तो आज इतना तो पक्का पड़ा है कि जब जब MnO2 एन ओ मैंगनीज डाई आता है तो वो क्या करता है सामने वाले के साथ सॉल्ट भी बनाएगा उसे ऑक्सीडाइज भी करेगा और बना लेगा सी एल टू मैंने कहा अपन साथ में और कुछ बनाना चाहें क्या बना सकते हैं वाटर वगैरह बना सकते हैं अभी मैं नहीं बना रहा हूँ मेरे को एच ओ एच नहीं दिख रहे तो सी एल टू तो बन रहे है पर थोड़ी कहानी को सुधारते ना यार पहले क्या है एक्स है एक्स मैगनीज का कंपाउंड है पता नहीं कौन है यही या नोन है पाँच सौ तेरह पे क्या करना है इसको गर्म करना है जैसे Y बना लेना है एम एन बना लेना है और एक गैस यस प्रोडक्ट बना लेना है पता नहीं क्या है अभी गैस मान लो बाद में एम एन को एन से रिएक्ट कराना है इसको और एन से रिएक्ट कराना है एसिडिक मीडियम में तो एक पंजेंट गैस Z बनेगी और Z तो पक्का है सी है और अब हमें क्या पता करना है एक्स वाई जेड मतलब एक्स नहीं पता वाई नहीं पता मतलब आधी कहानी आपकी डी ब्लॉक में टक गई तो मैं आपको एक बात बता देता हूं इस रिएक्शन को भी याद करें के एम एन ओ फोर को जब आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर बनाता है के टू एम एन ओ फोर प्लस एम एन ओ टू प्लस ओ टू प्लस एम एन ओ टू प्लस ओ टू बेसिकली के एम एन ओ फोर ऑन हीटिंग हुआ क्या प्लस सेवन से पहुंच गया प्लस सिक्स में और प्लस फोर में क्या यह डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ ना क्योंकि ये बढ़ा थोड़ी ना है कितना इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा एक बात तो पक्का था ना इसमें ZnCl2 था तो ये ऑप्शन बाहर था फिर आंसर ढूंढ लो आंसर क्या होगा तो ये कंपाउंड फिर अपन KMnO4 लेकर चलते हैं KMnO4 और यहां पर क्या बनाएंगे अपन K2MnO4 K2MnO4 अच्छा इसका नाम क्या है पोटेशियम परमैंगनेट इंटेंस पिंक पर्पल और ये वाला क्या था अपना पोटेशियम मैग्नेट आहा वही वही जो तुम सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आंसर सर सीधे फोर क्यों नहीं लगा दे रहे हो लगा दिया पक्का क्लियर ये बात चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं थोड़े और क्वेश्चन लगाते यार अच्छा लग रहा है अ वाइट सोडियम सोल्ट डिजोल्व रेडली इन वाटर एक तो वाटर में डिजोल्व हो रहा है सोडियम का सोल्ट है तो होना ही चाहिए जिससे एक सॉल्यूशन बन रहा है जो न्यूट्रल टू लिटमस है ना एसिडिक ना बेसिक और जब उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो फिर क्या हुआ पहले वाले में जो पहले मेंसन था उसी में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया है ना तो क्या हुआ एक वाइट पीपीटी बना जो कि नाइट्रिक एसिड में भी डिजोल्व नहीं हो रहे हैं तो अपन इसको ऐसे सोचें कि पहले एक ऐसा क्लोराइड सॉल्ट सोचो क्लोराइड क्लोराइड क्यों सोचना है क्योंकि बाद में इसी में ए मिलाना है और ए भी बनाना है ऐसा वाइट पीपीटी तो ये जो सॉल्ट है ना बेसिक भी होना चाहिए हाँ बेसिक नहीं बेसिक नहीं बेसिक नहीं न्यूट्रल होना चाहिए न्यूट्रल क्यों कि लिटमस में भी इफेक्ट नहीं पड़ रहे है ना एसिड एक बेसिक है ही नहीं, नहीं तो न्यूट्रल लिटमस में कुछ तो चेंज आता ही आता एन ए एक ऐसा सॉल्ट हो सकता है अपने लिए एन इसका पी फिक्स से से है सेवन रहता है पच्चीस डिग्री पे पर है ना ये ध्यान रखना पच्चीस पे क्योंकि फिर ये क्लोराइड भी बढ़िया से दे देगा सोल्यूबल है तो ए जी सी एल भी बन जाएगा तो एनायन बताना था अपन को क्या ये सल्फाइड हो सकता था नहीं सोडियम सल्फाइड हो तो सकता था क्योंकि सोडियम का सोल्ट सोल्यूबल है पर ए जी टू एस ब्लैक पीपीटी है ये ब्लैक है ब्लैक और अपन को व्हाइट चाहिए था इसलिए ये आंसर नहीं है सेम समस्या यहाँ पर भी है इसके साथ क्या होता इसके साथ बनता ए जी टू एस टू ओ थ्री और अगर आप पे सबर होता तो क्या होता ये इस सबर के साथ धीरे धीरे ए जी टू एस में ही कन्वर्ट हो जाता ब्लैक कलर का ही हो जाता फाइनली डिकम्पोज भी हो जाता तो ये भी नहीं होगा कार्बोनेट ए जी टू सी थ्री और वाइट कलर का पीपीटी है जो डिकम्पोज हो सकता है वाइट तो है पर क्या है ये नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ ना कुछ इसका नाटक हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट बन सकता है एच टू सी ओ थ्री बन सकता है और ये बेसिकली इस तरीके से आगे रिएक्ट कर सकता है मतलब सेफेस्ट ऑप्शन डी ही था मैं आपको बस यहां यह बता रहा था कि यार देखो डी मिल गया था आंसर पर बाकी भी एक प्रोबेबल ऑप्शन हो सकते थे इसलिए थोड़ा ध्यान से पर इस साल ऐसा नहीं होगा ऐसा ध्यान रखना है कटायंस so ठीक है तो अब हम एनायंस तो आज पूरी तरह से क्या कर चुके हैं कंप्लीट कर चुके हैं अब हम कटायंस को नेक्स्ट क्लास में ले चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम अपना कटायन भी खत्म करेंगे ओके थैंक यू